रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आयो सब? आई होप ठीक ठाक होंद। अवी पांजी भेण पांजी होस्ट हमीदा रशीद पारा अवां सबनी के वेलकम कया थी। अज अवां सब सोचिंदा हुंदो त अज मतलब सुबह जे आवाज़ में ही हमीदा एडो सजी समर जी आई है, सिंगार जी आई है। उनकी एकड़ी वजह है वह या सब खां पहिरीं त शादीन जो मौसम हले पियो थो, COVID-19 जो दौर है, तो इन में ब्यूटिशियन जो या वरी जी स्पेशली कुंवरू हुजन या वरी काद में वेंदड़ हर औरत ढी परेशान है। तो हाँ जी ब्यूटी पार्लर भी बंद हाँ कजे तो आखिर कजे उन सभी मसलन जो हल असी खड़ी आया आयूँ अवं सभी औरत स्पेशली असान अदू भेनर मायरू जी असन पैं थी उन नाव कंदी ही पूरा वीक। इन पूरे वीक में असा इन फैशन वीक में मुख्तलिफ़ मेहमान के इन्वाइट कंदासीं। अज भी तव्हांखे तमाम कलरफुल शयूं नज़र ईंदी हूंदियूं। मुझे हथ में भी ॾिसी सघो था ही ॾाढी प्यारी ज़बरदस्त ज्वेलरीज। ये कें ठाहियूं कीअं ठाहियूं, न्यू ट्रेन में कीअं आयूं आहिनि, या वरी अॼुकल्ह जे ट्रेन में छा पियो हले उन ते बि असीं ॻाल्हाईंदासीं। गॾो गॾु पार्टी जो मेकअप हुजे, मायूं जो मेकअप हुजे, उन खां अलावा मेहंदी जो मेकअप हुजे या शादी जो मेकअप हुजे, स्पेशली अगरि असां घरनि में बि हूअं ई बि सजी सवरजी वेहणु हिकु औरत जो जेको आहे सिंगार आहे ऐं ज़ेवर उनखे असीं चवंदा आहियूं। त क़ुरान पाक में बि ज़िक्र आहे त हिकु औरत जॾहिं पंहिंजी मुड़ुस लाइ सजी सवरजी सिंगार जी वेंदी आहे त जेके फ़रिश्ता आहिनि उन्हनि ते रहमतूं बरसाईंदा आहिनि। त बिल्कुलु हर औरत जो इहो ईअं चइजे त ज़ेवर आहे सजी सवरजी वेहणु, सिंगार जी वेहणु, हार सिंगार जी वेहणु। त अॼु माशाल्लाह सां असां कोशिशि कई आहे त हिन पूरे वीक में औरतुनि जा जेके इहे नंढा नंढा मसला आहिनि, इहे जेके इलाही वॾा हूंदा आहिनि, जेके मर्दनि खे लॻंदा आहिनि ॾाढा नंढा आहिनि पर उहे इलाही वॾा मसला हूंदा आहिनि, उन्हनि खे असां हल कंदासीं। उहो कीअं? उहो इहे जो अॼु असां स्टार्ट वरितो आहे हिन वीक में, फस्ट डे आहे त फस्ट डे खां वेंदे फ्राइडे ताईं असां कोशिशि कंदासीं त डिफ़रेंट मेकअप तव्हांखे लाइव ॾेखारियूं। त मेकअप आख़िर कबो कीअं आहे? अच्छा, थींदो इहो आहे जो असांजी जेके भेनरूं आहिनि मुख़्तलिफ़ हंधनि ते नेट अवेलेबल आहे, ब्यूटी टिप्स उन्हनि खे खपंदा आहिनि त यूट्यूब वग़ैरह ते ॾिसी वठंदियूं आहिनि। पर असांजूं उहे अधियूं भेनरूं जिन वटि सिर्फ़ु टी वी अवेलेबल आहे, आवाज़ टी वी हले पियो थो, सुबुह जो आवाज़ हले पियो थो, उहे ॾाढी ख़ुशनसीब हूंदियूं त सुबुह जे आवाज़ जो पेज खे बि लाइव तव्हां ॾिसो। लाइव स्ट्रीमिंग ज़रिए तव्हां असांखे यूट्यूब ज़रिए बि ॾिसी सघो था त असीं तव्हांखे लाइव मेकअप ॾेखारींदासीं। ऐं जेको आहे ॾाढो ईज़ी आहे, तव्हां वञो नेट ते सर्च कयो ऐं लिखो आवाज़ टी वी जेको आहे लाइव स्ट्रीमिंग, यूट्यूब ते लिखो या फेसबुक ते लिखो, ॾाढो ईज़ीली हाणे त नेट हर हंधि अवेलेबल आहे तक़रीबन, पर जंहिं वटि अवेलेबल न आहे उहे बि असांखे आवाज़ टी वी जेका लाइव टी वी जे ज़रिए बि असांखे ॾिसी सघनि था। त पंहिंजो फीडबैक बि ज़रूरु ॾिजो, स्पेशली अॼु असां जिन महिमाननि खे इनवाइट कयो आहे उन्हनि जी तरफ़ वेंदासीं। पर उनखां पहिरियां हिकिड़ी ॻाल्हि जेका मां क्लियर कंदी हलां, अॼु खां असां स्टार्ट वरितो आहे, इन में असीं न सिर्फ़ु मेकअप जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं, मुख़्तलिफ़ ब्यूटी टिप्स तव्हांखे ॾींदासीं त अव्हां मेकअप जे बग़ैर बि ख़ूबसूरत कहिड़े नमूने सां रही सघो था, या मेकअप में जेको आहे डिफ़रेंट अॼुकल्ह अची वियो आहे, न्यू ट्रेंड अची वियो आहे, त अॼुकल्ह जो मेकअप कहिड़ो पियो हले उहो आउं पाण बि ॼाणणु चाहियां थी। हर औरत डेफिनेटली ॼाणणु चाहींदी हूंदी त ट्रेन में कहिड़ो मेकअप आहे, फैशन छा जो हले पियो अॼुकल्ह, अगरि ड्रेसिंग जी ॻाल्हि कयूं त ड्रेसिंग कहिड़ी करणु घुरिजे, पोइ उहा वनवा जी हुजे, मेहंदी जी हुजे, या कलर कहिड़ा पिया हलनि अॼुकल्ह इन थी चुका आहिनि। त हर इंसानु चाहींदो आहे, स्पेशली हर औरत चाहींदी आहे त मां फैशन सां, न्यू ट्रेंड सां गॾु गॾु हलां। त इहे सभु शयूं हूंदियूं असांजे प्रोग्राम में, अॼु असीं स्टार्ट वरितो आहे माशाल्लाह सां। ऐं जेको आहे स्पेशली अॼु असां ॻाल्हि कंदासीं वनवा ऐं मेहंदी जी। ऐं वनवा ऐं मेहंदी खोड़ साड़ा माण्हू त इहे कंदा आहिनि शादी जे काज में ॿिए ॾींहं ते रुख़्सती रखी वठंदा आहिनि, पर पहिरें ॾींहुं वनवा ऐं मेहंदी तव्हांखे गॾु ई नज़र ईंदा आहिनि। त असां बि कोशिशि कई आहे वनवा ऐं मेहंदी जो जेको अॼु मेकअप थींदो उहो तव्हांखे लाइव ॾेखारींदासीं। गॾो गॾु ही जेके मुंहिंजे हथ में तव्हां ॾिसो था एॾा ख़ूबसूरत हीअ इयररिंग आहिनि, इहे इयररिंग कंहिं पाण हथ सां ठाहिया आहिनि, एॾा ख़ूबसूरत लॻनि पिया था तव्हांखे। अॼु असीं ॾेखारींदासीं त लाइव मेहंदी जेका आहे उहा बि सेखारींदासीं। असांजी अधी हिकिड़ी नंढी ईंदी उहा मेहंदी हणंदी, ऐं बि कोशिशि कंदमि थोरी घणी मेहंदी लॻाए वठां। त हर औरत जो ज़ाहिरनि दिली ख़्वाहिश हूंदी आहे त मां सुठी लॻां, सुहिणी लॻां, त वधीक आऊं टाइम नथी वठां। जेके स्पेशल महिमाननि खे असां इनवाइट कयो आहे उन्हनि जी तरफ़ वञण खां पहिरियां हाशिम हुसैन म्यूज़िक ते हमेशह जीअं असां सां गॾु आहिनि, जेके अॼु इन शादी जे काजनि जे हवाले सां या हूअं ई सूंहं सिंगार जे हवाले सां असांखे ख़ूबसूरत कलाम ॿुधाईंदा, उन्हनि खे वेलकम कयूं था। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। कीअं आहियो? ठीकु ठाक आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुलु माशाल्लाह रेडी आहियो अॼु असांजे
जेके ही वीक सेलिब्रेट कयूं पिया इन हवाले शादियुनि जा काज हुजनि या वरी सूंहं सिंगार हुजे त उन हवाले सां तव्हां खां कलाम बि ॿुधंदासीं असां ऐं जेके महिमान आहिनि हाणे उन्हनि जी तरफ़ हलूं था त व्यूअर सभु खां पहिरियां असीं वेलकम कंदासीं जे ईअं चवां त हिकु वॾो कंट्रीब्यूशन आहे हिन पूरे वीक में उन पर्सनैलिटी जो माशाल्लाह सां उन्हनि जो नालो सारा ज़ीशान आहे सारा ज़ी जे नाले सां उहे फेमस आहिनि उन्हनि जो पंहिंजो जेको आहे पार्लर बि आहे ऐं आवाज़ टी वी फैमिली जो हिसो आहिनि मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते ईंदियूं आहिनि असां वटि ऐं एॾी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ॾेई वेंदियूं आहिनि त वेलकम कयूं था सारा ज़ीशान खे बहितरीन मेकअप आर्टिस्ट आहिनि अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप वालेकुम अस्सलाम अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक आप कैसी हैं माशाल्लाह अच्छी लग रही हैं थैंक यू सो मच हमेशा की तरह सिंपल क्यूट और उसके अलावा एक बी मेहमान व्यूअर्स जी मैं गाल कई ना ट्रेंड्स जी आजकल ट्रेंड में छा पे हले को ड्रेसिंग जी गाल हुजे सैंडल जी गाल हुजे ज्वेलरी जी गाल हुजे स्पेशली मेकअप जी गाल हुजे तो तुम उन्हें डिसी समझी वेंदा तो पान जेके आहन स्पेशली ट्रेंड सा गड हलन थियूं कीअं हलंदियूं ज़ाहिरन फ्लोरिस्ट आहिनि ऐं इनखां अलावा जेको आहे ज्वेलरी ठाहिनि थियूं ब्लॉगर बि आहिनि त केरु आहिनि उन्हनि खे वेलकम कयूं था मुनीबा सऊद साहिबा असांखे जेको आहे असां सां गॾु आहिनि अस्सलाम वालेकुम कीअं आहियो मुनीबा कैसी आहे आप बिल्कुलु ठीकु बहुत प्यारी लॻ रही माशाल्लाह ऐं मां व्यूअर्स वाक़ई बि तव्हां पाण मञी वरितो हूंदो त वाक़ई मुनीबा जी जॾहिं आऊं ॻाल्हि कई पई न्यू ट्रेंड जी त उहे उहो लुक ॾियनि थियूं त वाक़ई न्यू ट्रेंड सां गॾु हलनि पियूं थियूं त आपसे बहुत सारी मुझे बातें करनी है आजकल न्यू ट्रेंड में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं लेकिन उससे पहले जो हमारे बाकी मेहमान हैं उनका भी इंट्रोडक्शन करवा थी चलूँ त हिन तरफ़ अगरि असां रुक कंदासीं जंहिंखे मां इहे चवां त असांजे प्रोग्राम जो हिकु तमामु अहम हिसो जंहिंमें उहे लाइव मेकअप करणु वञनि थियूं तमामु बहितरीन मेकअप आर्टिस्ट मुनीबा ज़ैदी असां सां गॾु आहिनि अस्सलाम वालेकुम वेलकम करते हैं आपको ऐं गॾोगॾु जेको आहे हिकु ॿी अदी असां सां गॾु आहिनि इन्हनि खे बि भलीकार कयूं था समन इनका नाम है हमारे साथ हैं या फिर जो है इन आपका नाम क्या है मरियम ज़ैदी अच्छा ये सारी जो है ना वो मुनीबा सऊद मुनीबा ज़ैदी मरियम ज़ैदी सब नाला एक मैच थी वह इन करे थोड़ी कंफ्यूजन विरल पो इन अदी के असी लाइव तैयार थे ढंदी ड्रेसिंग में माशाल्लाह सा जो है वनवा जी करे आयो आहन त जेका असांजी बी अदी मेकअप आर्टिस्ट आए वह उन्हें तैयार कंदी लाइव तवे दिखारींदी मेरे ख्याल से स्टार्ट कर लेते हैं वो क्योंकि टाइम के हिसाब से हमें चलना है ना वो स्टार्ट करेंगी फिर आहिस्ता आहिस्ता से हम उनसे पूछेंगे कि पहले तो जो है आप स्टार्ट करेंगी पहले हमें ये बताएं कि क्या स्टार्ट करने वाली है किस तरह से ताकि हम अपने व्यूवर्स को बताएं और वो देखते रहें हम बातें भी करते रहेंगे और साथ साथ अच्छा मेरे ख्याल से जो है ना प्रोग्राम में जान अगर आनी है तो पहले तो सारा जी तरफ हलजे है ना सारा की तरफ पहले चलते हैं और उनसे थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने पूरा अरेंजमेंट किया इतना खूबसूरत सा तो सारा साहिबा मैं आपसे जानना चाहूँगी माशाल्लाह से कितने अरसे से आप इस फील्ड में हैं और मुझे ऑलमोस्ट इस फील्ड में 9 ईयर्स हो चुके हैं और काम करते करते नए नए ट्रेंड्स मेकअप में भी कपड़ों में भी चीज़ों में भी देख रहे हैं दिन ब दिन नई नई चीज़ें आ रही हैं आज के प्रोग्राम को लेकर भी यही थीम जो हमने स्टार्ट कहा था कि यही मेहंदी माइयों को फॉलो अप करेंगे कल इंशाल्लाह हम लोग माइयों सेलिब्रेट करेंगे और आज आपके लिए मेहंदी आर्टिस्ट का भी अरेंज किया हुआ है हम लोगों ने क्योंकि प्रोग्राम में 4 चांद लग जाएंगे जब ड्यूरिंग प्रोग्राम आपकी मेहंदी लगेगी क्या बात है और मेहंदी के ट्रेंड्स पर भी बात करने वाले हैं बहुत कुछ इंशाल्लाह हम लोग इस वीक में सेलिब्रेट करने वाले हैं बिल्कुल और काम के एक्सपीरियंस को यही कहूँगी कि अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ बहुत सारी जगहों का एक्सपीरियंस भी लेकिन माशाल्लाह जो अपनाइत मुझे यहाँ पर मिलती है वो कहीं और महसूस नहीं होती क्या बात है बिल्कुल और हमारी भी कोशिश होती है आप हमारी फैमिली का हिस्सा ही हैं और हमारी कोशिश है कि व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना तो हमारी पूरी टीम की आपके साथ ये कोशिश रहेगी इस पूरे वीक में हम ना सिर्फ मायूं मेहंदी जो रुखसती का जो दुल्हन का मेकअप होता है वो भी करेंगे स्पेशली और साथ साथ पार्टी मेकअप का तो भाई आजकल तो हर दिन पार्टियाँ चल रही हैं हर दिन पार्टी चल रही है आजकल सोशल मीडिया का इतना ट्रेंड है और वैसे भी नई नई ऐप्स आ रही हैं बच्चियाँ इवन के छोटी छोटी वो भी मेकअप और वीडियो करने हैं लुक्स करने हैं और गर्मी है अकॉर्डिंग टू गर्मी जो समर के हमारी फाउंडेशन हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे और स्वेटिंग कैसे कंट्रोल करनी है exactly. वो भी टिप्स आप लोगों के साथ हाँ के गर्मी हो और मेकअप किया हुआ और फिर वो मेकअप पूरा पेज आता और है मैं तो जब उसके भी आप हल बताएं बिल्कुल वो तो यही है कि प्रोग्राम चलेगा भी बात भी होती रहेगी मेरा यही होता है कि एक कॉर्नफ्लोर का मैं जब भी आती हूँ मैं बात करती हूँ कॉर्नफ्लोर का मास्क बनाएं अपने फेस पे अप्लाई कर दें 15 मिनट्स के लिए उसको ड्राई होने दें उसके बाद उसको नॉर्मल पानी से रिंस आउट करें और मेकअप करें ये तो आपने बड़ा इजीली बता दिया कि कॉर्नफ्लोर का आप मास्क बनाएं लेकिन वो बनेगा कैसे वो भी तो बताएं एक टेबल स्पून आप ले लें उसमें रोज वाटर इतना ऐड करना है कोशिश करें उसको
थोड़ा ठंडा करके ऐड करें कि वो थिक सा बैटर बन जाए, उसको अप्लाई करें, मास्क जिस तरह होता है उसकी वैसी ही थिकनेस रखनी है। 15 मिनट के लिए उसको ड्राई होने दें, ड्राई होने के बाद आप वॉश करें, एक तरीका कार्य होता है। और दूसरा तरीका कार्य होता है कि ठंडे पानी से फेस पे स्प्रिंकल करना, उससे भी आपके जो पसीने वाले ग्लैंड्स हैं ना वो बंद हो जाते हैं, तो आपको पसीना आना कम हो जाता है। सही। इन चीज़ों के अलावा भी आजकल फाउंडेशन ऐसे आए हैं, मूज मैट फाउंडेशन इन दिनों में ज़्यादा जाते हैं अगर किसी की ऑयली स्किन है। पैनकेक्स हैं, वो भी स्वेटिंग कंट्रोल करते हैं, और अगर पैनकेक के साथ भी आपको पसीना आ रहा है तो आपका फाउंडेशन नहीं हिलेगा अपनी जगह से। ओके, मतलब कितनी ज़बरदस्त टिप्स, कितनी आसानी हो गई है भाई आजकल तो। मुनीबा सऊद, आपकी तरफ भी मैं आऊँगी और बड़ी प्यारी ज्वेलरी बना लेती हैं भाई, मैं तो अपनी शादी के लिए आपसे बनवाऊँगी डेफिनेटली क्योंकि मैं तो फ़ैन हो गई आपकी। ये इयर रिंग्स हैं आपने इतनी खूबसूरती से बनाए, कितना वक्त लग जाता है ये आप लोग इतने छोटे छोटे पीस बना रहे हैं? ऑलमोस्ट वीक लगता है इसको बनाने में। अच्छा, अगर बहुत सारे किसी को ऑर्डर करना हो पूरी ज्वेलरी के लिए, वो एक हफ्ता पहले आपसे रब्ता करें? ऑलमोस्ट मुझे 20 डेज चाहिए अगर बड़ा ऑर्डर है या ब्राइडल ऑर्डर है, क्योंकि बहुत आराम से नफासत से देख के बनानी पड़ती है ये। क्या बात है, और ये भी बड़ी खूबसूरत बनाई है। कैमरा मैन अगर फॉलो कन तरीसी से गंधा ही इयर रिंग्स आइन आई ही मुनीबा सऊद छाया आहिनि, जेके माशाला सां पाण ज्वेलरी मेकर भी आहिनि, ब्लॉगर भी आहिनि, ॾाढी ख़ूबसूरत लॻनि पियूं थियूं। घरो घरु हुननि जी ज्वेलरी बि ॾाढी ख़ूबसूरत आहे। ऐं कंगण जेको आहे पहिरे छॾियो आहे, मूंखे वणियो त मां चयो पहिरे थी छॾियां, ऐं ॾाढो ख़ूबसूरत। ऐं गॾो गॾु टिको बि असां वटि आहे, ॾिसी सघो था व्यूअर्स, हीअ असां पंहिंजी जेका दुल्हन तयारु थींदी हुनखे पाराईंदासीं, हिते आऊं फ़िलहालु रखी तव्हांखे ॾेखारियां पई, ॾाढो ख़ूबसूरत लॻे पियो माशाला। इहे ई पूरी ज्वेलरी हू ठाहिनि थियूं, ऐं कीअं तव्हां कहिड़े नमूने सां हिननि सां राब्तो करे सघो था? अॼुकल्ह त जेको आहे लॉकडाउन जे करे मार्केट्स में जाना भी बड़ा भाई वो हो गया है, मसला हो गया है कि 6 बजे मार्केट्स बंद हो जाती है। हम किस वक्त जाएं जो ऑफिस में काम करते हैं और जो बिजी होते हैं, तो वो डायरेक्ट आपसे वैसे भी ऑनलाइन राब्ता कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट है www.munibas.com और मेरा पेज भी है मुनीबास ग्रैंड वार्डरोब के नाम से। सब चीज़ें वहाँ अवेलेबल हैं। आपके पास कोई कस्टमाइज्ड डिज़ाइन है जो आपको, जैसे मेरे कलेक्शन में कोई आपको डिज़ाइन नहीं पसंद आ रहा, तो इफ़ यू हैव डिज़ाइन ऑफ योर ओन तो आप वो भी मुझसे डिज़ाइन करवा चेंज करवा सकते हैं। एग्जैक्ट, जैसे ड्रेसिंग जो है बंदा जिस हिसाब से ले रहा है, क्योंकि आजकल तो कलर बहुत जो इन हुए वो तो पहले तो ये कलर बताएं कि आज हम मायों का बेसिकली मेहंदी और मायों का पूरा जो है मेकअप करने वाले हैं, तो कलर जो इन हुए हैं आजकल वो हमें बताएं कौन से मायों का। तो स्पेसिफिकली देखें वो येलो ही ट्रेंड है, येलो रस्म है, लेकिन येलो के साथ आजकल पीच है, शॉकिंग पिंक है, रेड बहुत ज़्यादा, और मैरून, ये चार ऐसे कंट्रास्ट है जो लगते ही लगते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने 2-3 ऐसी वेडिंग देखी, प्राइवेट वेडिंग, जिसमें इन्होंने ब्लू एनहांस किया है। ओके, फिरोजी स्काई ब्लू, ये येलो के साथ मिलके बहुत कूल जो है ना वो एक आउटकम दे रहे होते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ब्लू रखी है। आजकल मैंने ये भी देखा है धानी और येलो के साथ, ये भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ग्रीन तो बेसिकली होता ही है मेहंदी मायों, लेकिन बिल्कुल ऑड कलर्स पे जा रहे हैं, हमें अलग लगना है। हाँ, ये बात आती है, हमें कुछ चेंज करना है, हमें अलग लगना है। सही, क्या तो इसमें ब्लू पर्पल भी है, लेकिन ब्लू आजकल देख रही हूँ मैं, कई दो इवेंट मैंने देखे हैं और बहुत मैंने अच्छे क्लास के देखे, उसमें ब्लू ऐड कर रहे हैं येलो के साथ। ओके, ज़बरदस्त व्यूअर्स, ये असांजो खूबसूरत प्रोग्राम स्पेशली असांजी जेको आहिनि औरतुनि लाइ, अदियूं भेनरूं मायरूं परेशान बिल्कुल बि न थियो, तव्हांखे लाइव असां हर शइ सेखारींदासीं। ज्वेलरी मेकिंग जेका आहे उहा कीअं थींदी आहे, उनजा कोर्सिस बि थींदा आहिनि, उहे बि असां पुछंदासीं मुनीबा सऊद खां, उहे असांखे ॿुधाइनि, असांखे एडवाइस कनि त असां कहिड़े नमूने सां घर वेठे ज्वेलरी ठाहे सघूं था, या वरी टाइम न आहे त तव्हां परचेस करे सघो था ऑनलाइन, इन्हनि जो पंहिंजो पेज आहे उते वञी करे। त प्रोग्राम असांजो हीउ ख़ूबसूरत प्रोग्राम पूरो वीक हलंदो, हिन में असां हर क़िस्म जे फैशन जी ॻाल्हि कंदासीं, तंहिं करे परेशान थियण जी का बि ॻाल्हि न आहे। प्रोग्राम में असां 57 कयो आहे, सभ खां पहिरीं गाला बिस्किट ऐं गाला जो ईअं ई त नालो न ई वठंदा, गाला जे लाइ स्पेशली मशहूरु आहे त हर देश का बिस्किट गाला, त चांहि सां पोड़े स्पेशली आऊं त चांहि सां पोड़े ई खाईंदी आहियां। डालडा कलौंजी केनोला कुकिंग ऑयल जी ॻाल्हि कयां त हुन में कलौंजी जो जेको इस्तेमालु थियो आहे उहो ॾाढो ज़बरदस्त, उहो असांजे स्किन लाइ बि सुठो आहे, असांजे मादे लाइ बि सुठो आहे। गॾो गॾु फॉर्मी सोप पारां सां 57 कयो वियो आहे, मिलन मसाला पारां सां 57 कयो वियो आहे, लेला ब्यूटी क्रीम आहे उन सां गॾो गॾु मुगल हाइब्रिड सीड सां 57 कयो आहे। त असीं तमामु घणा शुक्रगुज़ार आहियूं इन्हनि ब्रांड्स जा जेके असां 57 कनि था, जिन सां असांजे प्रोग्राम जी ख़ूबसूरती अञा वधे थी। त ही मुंहिंजे ख़्याल सां ब्रेक जो अगरि वक़्तु न आहे त आऊं वधीक जेको आहे ॻाल्हि खे कंटिन्यू कयां पंहिंजी जेको आहे। ओके, ब्रेक जो चयो पियो वञे त व्यूअर्स काॾे न वञिजो, असांजी ख़ूबसूरत कचहरी ईअं ई जारी रहंदी, ईअं ई असां मुख़्तलिफ़ ट्रेंड्स ते ॻाल्हाईंदासीं ऐं दुल्हन तयारु थींदी, लाइव तयारु थींदी, काॾे न वञिजो, असांखे ॾिसंदा रहो जी।
व्यूवर्स आके एक दफो वरी भरी कार कंदासी सुबह जे आवाज जे फैशन वीक में आज फर्स्ट डे आहे आगाज असान जे खूबसूरत थियो आहे त सोचो त अन्या केडी केडी शय सरप्राइजेस आहे नवा सबिन लाए स्पेशली ही वीक असान डेडिकेट कयो आहे असान जी सिंध जी न सिर्फ सिंध जी असान के जिते जिते डिठो तो वने उनन सबनी औरतन के छकाण त हर औरत जी ख्वाहिश हुंदी आ खूबसूरत नजर चाही खूबसूरत आजकल की नजर इंदो आए मानु उहो बि तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे तंहिं करे असां उहे सभई टिप्स अव्हां लाइ खणी आया आहियूं स्पेशली अॼु असांजी जेको आहे हिकु ॿी महिमान असांखे जॉइन करे चुकी आहे पहिरियां अगरि मां उन्हनि जो इंट्रोडक्शन अव्हां सां करायां त मेहंदी माशाल्लाह ॾाढी ज़बरदस्त लॻाईंदियूं आहिनि मिसाज जे नाले सां जेको आहे फेमस बि आहिनि समन साहिबा असांखे जॉइन कयो आहे अस्सलाम वालेकुम वेलकम करते हैं आपको और माशाल्लाह मुझे लग रहा है बड़ा मज़ा आने वाला है इनके साथ छाकाणि त मेहंदी खणी आयूं आहिनि गॾु ऐं बाक़ाइदा रेडी वेठियूं आहिनि मेहंदी हणंदी दुल्हन खे पर उनखां पहिरियां हलंदा असां सां गॾु सारा बि आहिनि ऐं मुनीबा ज़ैदी बि आहिनि पर जेको आहे मुनीबा ज़ैदी जेका बहितरीन मेकअप आर्टिस्ट आहिनि उनजी ॻाल्हि कयां पई मुनीबा साउथ से तो मुझे बहुत सारी बातें करनी है मुझे तो अपनी ज्वेलरी इनसे बनवानी है भाई मैंने इनको फिक्स कर दिया बस मुझे जो है ना डिस्काउंट भरपूर दीजिएगा तो मुनीबा ज़ैदी की तरफ चलते हैं मेकअप आर्टिस्ट हैं और कैसी हैं आप सबसे पहले तो ये बताएं बिल्कुल ठीक है बताएं अलहमदिल्ला मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ बड़ी प्यारी लग रही हैं आप सिंपल लेकिन जो हमारी मायों की आज आप दुल्हन को तैयार करने वाली हैं उसका आप पहले हमें बताएं कि स्टार्ट कहाँ से लेंगी आप क्योंकि बाल भी उनके जो हैं बनेंगे जाहिर सी बात है हेयर स्टाइल बनेगा स्टार्ट हेयर स्टाइल से करेंगी या मेकअप से करेंगी स्टार्ट मेकअप से करेंगे यूजुअली मेकअप जो मायों का मेकअप होता है बहुत सॉफ्ट लुक जा रहा होता है लोग ज़्यादातर मायों पर इतना हैवी लेते नहीं हैं पसंद नहीं करते जी तो थोड़ा सॉफ्ट ही रखेंगे ताकि ग्लैम लुक की तरफ जाए ज़्यादा हैवी ना हो सही तो क्या स्टार्ट कैसे करेंगे इनके डार्क सर्कल भी है हाँ सबसे पहले ऑल ओवर जितने भी स्पॉट्स वगैरह हैं डार्क सर्कल्स है हाइपर पिगमेंटेशंस है उन सबको पहले करेक्टर से कवर करेंगे देन पे फाउंडेशन की तरफ जाए ओके आप पहले कंसीलर यूज करेंगे क्या करेंगे वो पहले कलर करेक्टर यूज करेंगे ताकि जो पिगमेंटेशंस वगैरह हैं वो सब हाइड हो जाए वो सब एक तरह से कवर हो जाए ओके तो आप स्टार्ट करें मैं आपकी तरफ आऊँगी बाकायदा वहाँ खड़ी होगी मैं आपसे जो है ना सीखूंगी भी जी असाज लेडीज जी असें औरतू डन पी थी इतने वेठल या पा भी सीखासी भरपूर उ टिप्स कड़ा अगर घर में इनकेस शादी थे वे पी तको आए परेशान आयो पार्लर बंद थी चुका तो कौ शादी जो सीजन भी शुरू थी चुको है तो तक घबराने की बिल्कुल भी जरूरत ना है हेरसो तक लाइव सिखारियों था तो स्टार्ट करनी है आप ये अभी क्या लगा रही हैं आप ये बताएं सिरम लगा रहे हैं ताकि आपकी स्किन जो है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाए मेकअप के लिए ओके ये सिरम लगा रही हैं ताकि स्किन पे इतना ज़्यादा वो फ़र्क ना पड़े क्योंकि बेसिकली थींदो यू आए व्यूअर्स सारा और मुनीबा आपसे भी मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी क्योंकि मेकअप तो डेली हमारा एक ये कहें कि आदत कहें या प्रोफेशनली भी यूज़ करना ही पड़ता है तो होता ये कि डेली मेकअप यूज़ कर लेते हैं हम लेकिन अगर हम कोई सीरम ना लगाएं तो हमारी स्किन डैमेज हो सकती है मैं भाई 8 साल से यूज़ कर रही हूँ अगर मैंने केयर ना की होती तो सोचे मेरी स्किन का क्या हाल हुआ होता बिल्कुल क्योंकि मेकअप जो है हम लोग काफ़ी टाइम तक अपनी स्किन पे कैरी करके रखते हैं ना तो कितना भी हलाल प्रोडक्ट्स कहें कितना भी ऑर्गेनिक कहें है तो बेसिकली ये केमिकल ही और स्किन के पोर्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है तो मैं जब भी आती हूँ मैं ये कहती हूँ जैसे ही आप मेकअप कर रहे हो ऐसे ही आप आफ्टर मेकअप रिमूविंग के बाद आप अपनी डीप क्लिनजिंग करो डीप क्लिनजिंग मस्ट है क्योंकि जो पार्टिकल्स उसके स्किन में पेनिट्रेट हुए हैं उनको रिमूव करना जरूरी होता है बहुत सारी लड़कियों को एक्नी भी इसीलिए हो जाती है अच्छा एक चीज़ मैं छोटी सी बोलना चाहूँगी चैनल के तवस्त से यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं लेकिन वो हर चीज़ आपकी स्किन के अकॉर्डिंग नहीं है अभी जैसे कि गर्मी है गर्मियों में तो वैसे ही स्किन में मॉइस्चर निकल रहा होता है अपना ऑयल इतना निकलने लगा होता है अब वो क्या होता है कि ब्लॉगर्स को देख देख के सोशल मीडिया पर देख देख के मॉइस्चराइजर अप्लाई हो रहे हैं अगर आपकी स्किन ऑलरेडी इतनी ऑयली है तो आप उसको ग्रीस क्यों दे रहे हैं exactly, हाँ, प्राइमर से स्टार्ट होता है प्राइमर की भी डिफरेंट वेरिएशन है अकॉर्डिंग टू समर है मल्टी पर्पज पे आजकल चीजें आने लगी हैं तो आप सीख के समझ के करें आजकल तो ये चल रहा है मैंने ज्यादातर देखा है हमारी जो बच्चियां हैं उसके हवाले से बात करूंगी लेकिन पहले ये मैं जानना चाहूंगी मुनीबा आप ये अभी क्या लगा रही हैं थोड़ा सा बताएं कलर करेक्टर यूज कर रही हैं ताकि डार्क सर्कल्स वगैरह जो अच्छे तरीके से हाइड हो जाए ठीक है तो डार्क सर्किल हाइड कंदियूं पहिरियां जेको आहे हाणे डार्क सर्किल खां स्टार्ट वरितो अथनि उन खां पोइ मेकअप जी तरफ़ ईंदी असां पुछंदा रहंदासीं न स्टेप बाय स्टेप जीअं असांखे आगाही मिलंदी रहे असां सिखंदा बि रहूं गॾु गॾु असांजी कचहरी बि हलंदी रहंदी अच्छा मां ॻाल्हि कई पई अॼुकल्ह खोड़ सारी एप्लीकेशन अची वियूं आहिनि जंहिंसां सारा ने बात की अॼुकल्ह हर लड़की घर पर बैठ के मेकअप कर रही है और उनको अपनी स्किन की केयर करनी चाहिए भाई क्योंकि स्किन एक ही बार मिलती है उसके बाद जब डैमेज हो गई ना
सर्जरियाँ करवा लो और वो इंजेक्शन लगवा लो, जो भी कर लो, वो लुक नहीं आता। नहीं, वो चीज़ फर्स्ट नहीं, वो जो है ना, कहते हैं कि इनोसेंट और ग्लोइंग, मैं यही बोलती हूँ कि एक चीज़ है ग्लोइंग, ग्लोइंग पे हमें फोकस करना चाहिए, वाइटनिंग कुछ नहीं होती। अगर अल्लाह ताला ने आपको विटी स्टोन पे रखा है तो वो आपके लिए बेहतरीन चीज़ है कि अल्लाह ने आपकी स्किन के पिगमेंट्स कुछ सोच कर ही आपको जो है ना दिए हैं। आप अपनी स्किन को ग्लो करने पे, यंगर रखने पे आप अपनी स्किन पे काम कर सकते हैं। वाइटनिंग की तरफ जब हम चले जाते हैं तो वो हार्मफुल केमिकल्स आ जाते हैं। आजकल बच्चियां ये नहीं समझ रही, बच्चियों को बस यही है कि वाइटनिंग चाहिए, वाइटनिंग चाहिए, वाइटनिंग, फिर वही आता है ब्लीचिंग एलिमेंट्स आ जाते हैं जो मजीद स्किन को डैमेज कर रहे हैं। जी, जी, तो हर चीज को वही कहती हूँ कि अगर आप कर भी रहे हो, कोई चीज देख भी रहे हो, तो आप किसी प्रोफेशनल से डिस्कस करो, फिर उसको करो अपने ऊपर अप्लाई। उनको पता है कि बस हमने सीख लिया यूट्यूब से बैठ के, लेकिन अब लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी बिल्कुल साइड इफेक्ट। मेकअप तो डेली यूज होता ही है। आपकी स्किन बड़ी मुझे क्यूट लग रही है, आप किस तरह से केयर करती हैं डेली मेकअप अगर करती हैं तो, पहले क्या यूज़ करती हैं, उसके बाद जो है वो कैसे क्लीनिंग कैसे करती हैं आप मेकअप की? देखिए, सबसे पहले तो अपने आप से मोहब्बत करना सीखें। वाह, अल्लाह ने आपको जैसा बनाया है ना, बहुत सोच समझ के बनाया है। हम अगर बनाने बैठे तो हम कोई ना कोई कमी छोड़ देंगे। तो जब आप ये एक्सेप्ट करने लगते हैं कि आपको अल्लाह ने बनाया है तो आप कम्प्लीट हैं, अपने हिसाब से कंप्लीट है। ये सारा ने बात की बिल्कुल ठीक है, गोरा होने के चक्कर में हार्मफुल केमिकल, हार्श केमिकल यूज़ करते हैं। तो गोरा सिर्फ आपका फेस नहीं होना चाहिए, आपको ओवरऑल होना चाहिए। आप अंदर से साफ हैं तो सब साफ है। क्या बात, एक्सेप्ट करें अपने आप को जिस तरह आप हैं। बिल्कुल। सेकेंडली कि अपनी स्किन को जानना बहुत ज़रूरी है। हमें ये नहीं मालूम होता कि हमारा स्किन टेक्सचर क्या है और हमारी ऑयली स्किन है, हमारी ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन है। जब तक आपको ये नहीं मालूम होगा आप अपने लिए प्रोडक्ट्स कैसे सिलेक्ट करेंगे। सही। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, केयर बहुत ज़रूरी है। सुबह उठ के खाली मुंह धोने से आपका फेस वॉश नहीं होता, रात को सोने से फेस वॉश नहीं होता। आपको कम से कम अपना एटलीस्ट हाइड्रेट रखना है अपनी स्किन को। जब तक आप हाइड्रेट नहीं रखेंगे आपका कोई भी कॉम्प्लेक्शन, आपकी स्किन खराब हो जाएगी, खराब हो सकती है। हाइड्रेट्स किस तरह से रखें वो थोड़ा सा बताएं। देखिए, बहुत सारी आप तो क्लिनजिंग, मैं तो कहती हूँ सबसे ईजी होता है कि अपने जो बेसन होते हैं हमारे घरों में पकौड़े बनाने के लिए इस्तेमाल, हर किसी के घर में अवेलेबल है। कहते हैं कि नहीं वो ऑयली स्किन के लिए, मैं कहती हूँ नहीं, वो सबके लिए ऑर्गेनिक चीज़ सबके लिए होती है। इसके अलावा मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी बेस्ट होती है, आपकी स्किन को टोन करेगी, हाइड्रेट करेगी। और बहुत सारे आप तो लोशंस आ गए, अपनी स्किन को हाइड्रेट करके रखें, ऑयली हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो। ऑयली में कहते हैं हमारी तो ऑलरेडी इतनी ऑयली स्किन है, हम क्या इस पर जो है ना क्या कहते हैं हाइड्रेटिंग लोशन लगाएं, क्रीम लगाएं, डजेंट मैटर। आपकी ऑयली स्किन हो, कुछ भी हो, आपकी स्किन को ज़रूरी है, जबकि ऑयली स्किन सबसे ज़्यादा रिंकल प्रोड्यूस करती है अपनी एज में जाके। तो केयर करें, हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग जो हैं वो ब्लीच का इस्तेमाल भी बहुत करते हैं, तो ये कितना डैमेजफुल है वो आपसे जानूंगी, लेकिन पहले यहाँ इस तरफ चलते हैं। मुनीबा, अब आप बताएं क्या यूज़ कर रही हैं आपने? मैंने यहाँ इनकी फेस को थोड़ा मतलब बेस देने के लिए मैंने जस्ट क्रायलॉन की स्टिक यूज़ की है, इसमें शेड जो है 45 है। सही। तो उसको मैंने हल्की बहुत लाइट कवरेज किया है कि बस जो मतलब आपका फेस का कलर जो कॉम्प्लेक्शन जो बस वो कवर हो जाए, एक कलर हो जाए, मतलब वन टोन स्किन हो जाए आपकी। देन फिर मैं अभी क्रिस्टीन की फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। बहुत लाइट वेट फाउंडेशन है, बहुत स्टेबल है, बहुत टाइम तक आपके जो मेकअप है उसको बहुत कैरी कर लेते हैं ईजीली। सही, मतलब ये कितने घंटे तक चल सकता है अगर ये मेकअप? मैक्सिमम 8 to 9 hours। ओके, 8 to 9 hours। वाह, अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी हो तो स्टे करता है। ओके, लेकिन साथ साथ ये होता है ना कि थोड़ा बहुत आप टचअप भी करते रहें क्योंकि गर्मियां हैं और जितना मेकअप तो मेकअप है ना भाई, बीच में टचअप करना चाहिए। तो जैसे ताई हो कवर कन थी पूरा फाउंडेशन लगी वेंदो आई बेस ठही वेंदो तैसे ताई मुझे ख्याल सा कचेरी भले पई थी छो न कलाम जी तरफ हलजे छा एतरो टाइम आए अस कलाम जी तरफ वनी सकू ता प्लीज मखे बुधाय वने त जी अस अगर कलाम जी तरफ विंदासी त जाहिर अस जी दिल चे पई एक त जेको आ है इतरी खूबसूरत मेकअप थी रयो आ एडी जबरदस्त गाली थी रही वाहन जी आवाज़ न पे अचे मांके थोड़ो वरी बुधाए जो मांके आई जेको आ है ज्वेलरी जी अस गाल कंदासी मां ब्लीच जी गाल के ब्लीच डाढो जेको आ नुकसानदा है तवा जेको आ खास तौर ते कोशिश कयो ब्लीच जो इस्तेमाल एडो न कयो आई स्पेशली आउं डिठो आए स्पेशली मैं नोट कर रही हूँ ना कि लड़कियां पता है क्या कर रही हैं कि अगर किसी पार्टी में जाना हो शादी में जाना हो कहीं भी जाना हो तो वो ब्लीच का भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं। तो उस पर बात करेंगे लेकिन पहले कलाम की तरफ चलते हैं, हाशिम हुसैन की तरफ, उसके बाद हम जो हैं इस पर बात करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेंगी हमें। तो हाशिम हुसैन प्लीज़ ओवर टू यू, छा था बुधायो जी।
मेहंदी मायो या मेकअप जो जो सेशन है उन हवाले से कुछ गीत हैं। वाह प्लीज कम दर्दन मारी दिलड़ी बेचारी तो बिन सुहना सुनिया है सारी वाकई ढो तो वणी केर तो वणे वो अस ब्रेक का अच्छी बुधाई तो हलूँ था ब्रेक की तरफ प्रोग्राम में अस सतावन किया है गाला बिस्किट गरो गर डालडा कलुन की किनोला कुकिंग ऑयल फॉरबी सोप विलन मसाला लेला ब्यूटी क्रीम मुगल हाइब्रिड सीड पारा कारे रवन जो ढा रहो सुबह जो आवाज सुबह के आवाज़ में एक दफो बेहर अव सभी के भलीकार कंदी असाल कई एक तो है कड़ा नुकसान ब्लीच यूज करा उन पर उनकी तरफ वन का पैर जी असानी दुल्हन मायू की दुल्हन बनवा की दुल्हन जैसे असं सिंधी में चवंदा उन दुल्हन की तरफ हलूँ था उन कुंवर के ऐसा था किथे पौती है बेस उन आई थिंक कंप्लीट थी चुको है तो मुनीबा साहिबा मुझे बताएं आपने जो है बेस कंप्लीट कर लिया है पूरा अभी आप कंटोरिंग की तरफ आ रही हैं तो कंटोरिंग कैसे होती है वो तो बड़ा अहम इशू है आजकल लड़कियों को बड़ा वो कट्स चाहिए होते हैं भाई वो हमें सिखाएं कैसे लगते हैं वो फेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके फेस की शेप किस तरह है यूजुअली बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जिन बहुत ज़्यादा चबी जिनका फेस होता है ज़्यादातर उनको जो है वो कॉन्टोर की नीड होती है सही। जैसे हम लोगों का फेस है हम जस्ट ब्रॉन्ज भी कर लें तो हमारे कर्ज में इनहेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं तो जस्ट हल्का सा कोई भी ब्राउन शेड लेके आपके लिए एयर्स की जो लाइन है
ठीक है, यहाँ से यूजुअली इस तरह से आप जो है कॉन्ट्रोल करोगे अपना जो शेड है उसको, जस्ट इतना अप्लाई करके उसको आप ब्लेंड आउट कर दोगे डाउनवर्ड्स, तो कट्स जो आपके में थोड़ा इनहेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, देन फिर उसका बहुत फाइन तरीके से मतलब उनका फेस थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि पतला है तो लॉन्ग है, हाँ, तो थोड़ा सा उनको कवर करेंगे, कवर और राउंड करने की कोशिश करेंगे। सही, बड़ा खूबसूरत आप लगाएं, हम देखें जरा। और व्यूअर्स थींदो यू आई, अच्छा ही नोज कंटोरिंग थे पई थी आई, ब्राउन शेड जो इस्तेमाल थींदो आहे कॾहिं कॾहिं कंहिंजो नकु इलाही मोटो हूंदो आहे या डिफरेंट, ज़ाहिर हर इंसान खे अलाह साईं ठाहियो आहे ऐं पर हर छोकिरी चाहींदी आहे मुंहिंजो नकु सन्हड़ो डिघो नज़र अचे, उहो तॾहिं ईंदो मेकअप में कवर थींदो आहे। उहो कीअं थींदो आहे तव्हां ॾिसी सघो था, ॾाढो ख़ूबसूरती सां ऐं ईअं चइजे त ॾाढो बारीकी सां इस्तेमालु करिणो हूंदो आहे ब्रशिज़ जो। कमाल ई मेकअप आर्टिस्ट जो इहो आहे न त तव्हां ब्रशिज़ जो इस्तेमालु कीअं था कयो, इसमें ब्रश कौन सा, बिल्कुलु पतला सा ब्रश यूज़ करणा हुजे, कोई भी ब्लेंडिंग ब्रशेस दे सकते हैं, ठीक है, कोई भी ब्लेंडिंग ब्रश जो है वो आप कर सकते हैं जी। तो कंटोरिंग भी थींदी, अच्छा पंहिंजी गाल की तरफ अचूं था, जैसे ताई जो है कंटोरिंग थी वटे, ब्लीच का मैंने कहा तो मैं आपसे जानना चाहूँगी मुनीबा, क्योंकि आजकल ट्रेंड में जो मेकअप चल रहा है उसकी तरफ तो मैं आऊँगी, ये अभी जो मेकअप कर रही हूँ उसके हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन ब्लीच का ज़्यादा इस्तेमाल आप, इसको जाहिर सी बात है खतरनाक है, हर कोई समझ सकता है, तो वो लड़कियाँ जो कर रही हैं या कर चुकी हैं उनकी स्किन डैमेज हो चुकी है, अब क्या करें? जो डैमेज हो गई उसके लिए सबसे पहले सब छोड़ दें, ब्लीच आपको गोरा नहीं करेगा भाई, छोड़ दें ब्लीच, गोरा नहीं करेगा ब्लीच, बेसिकली आपका जो हेयर होता है फेस के ऊपर जो रूआ होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है, उसके कलर को लाइट कर देता है, तो बजाय कि आप केमिकल लगा वो निकाल लेना बाल, थ्रेडिंग कर ले, वैक्सिंग कर ले, कितने ऑप्शन आ गए आजकल, तो इतने ऑप्शन आ गए, एग्जैक्टली रिका वैक्स है, कितनी सारी वैक्स है, आप वैक्स करके निकालें, लंबी जान छोड़ा है, ब्लीच करने से गोरा नहीं होता कभी भी, वो आपकी अपर जो लेयर है ना वो उसको डैमेज कर देती है, और फिर कहते हैं हमें जख्म हो गए, पिगमेंटेशन हो गई, एक्ने हो गई, तो क्यों अपनी जिंदगी के साथ खेलते हैं? फिर तो स्किन डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता भाई, नहीं कर सकते जी जी, तो छोड़ दें ब्लीच वगैरह, कोई बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है किसी भी मैटर से, कपड़े गला देते हैं जो ब्लीच होता है वही सारा फार्मूला होता है, वही ना, इतना ज्यादा उसमें केमिकल होता है, आपके कपड़े डैमेज हो सकते हैं, और मतलब हर अगर कपड़े धोने आप यूज कर लें कोई भी केमिकल, फेस को धोने के लिए ना यूज करें सही। अच्छा इन्होंने बड़ी बात ज़बरदस्त कही थी सारा ज़ीशान ने कि आजकल जो है हम इस पर भी आते हैं कि किस तरह से केयर कर सकते हैं, एलोवेरा जेल जो है इस पर मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि आजकल नहीं आजकल तो नहीं, ये तो बहुत पुरानी जड़ी बूटी है कि हर चीज़ में इस्तेमाल हो रही है, खानी भी चाहिए मैंने तो ये सुना है, बालों भी लगानी चाहिए, तो इसके कितने फ़वायदे हैं जी? सिंपल सी इसकी है कि आप थोड़ा इसकी सोचें कि ये उगता कहाँ पर है, इसको नीड क्या होती है, सहरा में उगता है वहाँ पानी नहीं होता, सही, इसको आप सालों पानी नहीं देंगे ना ये ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, क्या मतलब है इसका कि वो आपको हाइड्रेट लगता है, इसमें इतनी क्वालिटीज़ हैं कि आप खाएंगे लगाएंगे आपकी स्किन जो है ना वो ग्लो करेगी और हाइड्रेट रहेगी। क्या बात है भाई, ये टिप्स सीखो व्यूअर्स, ये टिप्स सीखो, मां हमेशा कोशिश हूँ कुछ दियूं तव्हांखे इंफॉर्मेशन दियूं ऐं तव्हांजे फ़ायदे लाइ हुजनि, डेफिनेटली तव्हांजे फ़ायदे लाइ एलोवेरा जेल, त इहो पौधो तव्हां जेको आहे पंहिंजे घर में रखी सघो था या कुंडी, वो तो हम अपने घर पे भी रख सकते हैं ना, तो वो बस वहाँ से थोड़ा सा काट के, मैंने ऐसे ही किया हुआ है भाई, काट के और फिर सुबह सुबह या रात को लगा लेती हूँ, फिर जो है 10-15 मिनट बाद फेस वॉश कर लेती हूँ, सूदिंग होता है कि अगर आपका हाथ जल जाए जी आप उस पर भी लगा सकते हैं, ही कर देता, उसमें इतने मिनरल्स होते हैं, इतनी मेडिकल क्वालिटीज होती हैं कि आपके बर्न स्कार्स को भी ख़त्म कर देता है। ओके, बस ये है कि क्योंकि वो हर्बल है, एक नेचुरल है, तो उसमें टाइम लग जाता है, लेकिन वो प्रॉपरली क्योर करता है। आप क्रीम्स लें, क्रीम्स में भी केमिकल होते हैं, उस ऊपर से सही करेगा फिर दोबारा से आपको पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी, सही, तो अवॉइड करना चाहिए केमिकल से जितना ज़्यादा हो सके। सही, अच्छा सारा जीशान आपसे जानना चाहूँगी मैं, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियाँ कोशिश होती हैं कि वो गोरी दिखें, अगर नहीं है मतलब उनका कलर ही सांवला है, तो उस पर मेकअप आजकल हैं मार्केट में अवेलेबल, ऐसा नहीं है कि आप काली सावली सी स्किन है उस पर आप गोरा मेकअप कर रहे हो, बड़ा अजीब सा लुक आ रहा होता है, तो आप नेचुरल पे जाएं, बीबीसी देख लें, या मैं ये देख रही होती हूँ बड़े बड़े चैनल्स वहाँ पे होता क्या, होस्ट उनकी बहुत ही अगर काली हो या एंकर्स काले हो, वो क्या कर रहे होते हैं कि उनको उसी टोन का मेकअप लगा रहे होते हैं, तो जो जैसा कलर है स्किन का उसी टोन का मेकअप करना कितना ज़रूरी है? अगर इंटरनेशनली बात करें तो वो उसकी वही बोलूँगी कि ग्लो पे काम करते हैं, हम पाकिस्तानियों का थोड़ा सा फोबिया है गोरेपन का, अगर आप डार्क टोन के हो और आपको अगर फेयर कॉम्प्लेक्शन चाहिए तो वही आ जाती है बात टेक्निक्स की, कि आप टेक्निक फॉलो कर रहे हैं आपकी मेकअप आर्टिस्ट,
अगर वो आपके डार्कर से फेयर पे लेकर आ रही है, टू टोन्स लाइटर लेकर आ रही है, क्या वो प्रॉपर वो चीज कर रही है? वो बजाहिर तो आपको सलोन से करके भेज देगी, ठीक है, आफ्टर वन आवर क्या होगा, आप ग्रे लगने लग जाओगे, आपके बेस में क्रैक्स आ जाएंगे, आपका फेस अनइवन लगेगा, आप अनटाइडी लगोगे। जी, जी। तो बस वही चीजें देखना, सीखना। और ब्लीच का मैं एक और चीज बोलूं कि अगर आपको करना भी है, ब्लीच में जो है ब्लीचिंग एलिमेंट्स हैं जो स्किन की प्रोटेक्शन लेयर को डैमेज कर देते हैं, जो सन रेज से हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, जो एक्नी से प्रोटेक्ट कर रहा है, पोल्यूशन से प्रोटेक्ट कर रहा है, वो लेयर हमारी डैमेज हो जाएगी, फेशियल हेयर्स की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है ब्लीच से। मिनिमाइज तो वो होते हैं लेकिन वो ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको इतना ही ब्लीचिंग का क्रेज है तो आपने क्या करना है, आप होम रेमिडीज पे चले जाओ। आप देखो किस सब्जी में, किस फ्रूट में सिट्रिक अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, आप उसका एप्लीकेशन जो है फेस पे स्टार्ट कर दो। अगर आपको ब्लीचिंग चाहिए, ब्लीचिंग वाला एलिमेंट चाहिए अपने फेस पे, और ये भी चाहिए कि आपकी स्किन डैमेज ना हो, तो आप रात में एक लीमू ले लें, उसके स्लाइस कट करें, उसको फेस पे स्क्रब करें, उसको ड्राई होने दें और सुबह उठ के अपना फेस वॉश करें कंटिन्यूसली। अगर आप 3 मंथ्स करते हो तो आपको वही फेयर टोन मिलने लग जाएगी, एक टोन लाइटर तो जाओगे। ठीक, ठीक। इससे क्या है कि अगर आपको फायदा नहीं हो रहा तो वो क्या होगा कि वो आपको डैमेज तो नहीं दे रहा, डैमेज तो नहीं देगा, नुकसान में तो नहीं। हाँ बिल्कुल। और मैं तो जब भी आती हूँ टमाटर का मैं लाजमी बोलती हूँ कि टमाटर को स्क्रबिंग करें फेस पे कंटिन्यूसली करें। सस्ते हैं भाई, हाँ, किसी के घर में पड़े हुए होते हैं, कभी कभार महंगे हो जाते हैं वो ही। हाँ, बात आई एलोवेरा की, तो एलोवेरा की एक मैं भी रेमेडी देती चलूं कि एलोवेरा का गुदा आपने निकालना है, उसमें आपने 5-6 मिंट लीव्स लेने हैं, 2-3 ड्रॉप्स आपने लीमू के डालने हैं, उसको अच्छी तरह से आपने फोक के साथ बीट करना है, ग्राइंड नहीं करना, ग्राइंड नहीं करना है, फोक के साथ बीट करना है, उसको आइस क्यूब वाले उसमें मोल्डिंग वो जो होता है उसमें डाल के आप फ्रीज कर लें, उसके क्यूब्स बना लें, रात को सोते हुए आप उसको करके छोड़ दें, आपका फेस ग्लो भी करेगा, फेयर की तरफ भी आएगा, आपकी स्किन टाइट भी हो जाएगी। इतने जबरदस्त टिप्स वो भी मुफ्त में फ्री में भाई मिल रहे हैं, मैं तो कहूंगी ये बहुत ही अच्छे टिप्स हैं, ये मैं क्योंकि अप्लाई कर चुकी हूँ ना, एक इंसान प्रैक्टिकली कर रहा हो तो उसको पता चल जाता है। व्यूअर्स हलूं था हेॾां ऐं पाण थी वञा थी होॾां, ॾिसूं था मेकअप किथे पहुतो आहे, छो जो मेकअप जी ज़्यादा ज़रूरत आहे असांखे सिखण जी, सभिनी खे डेली मेकअप थिए थो, घर में हुजूं किथे बि हुजूं। अॼुकल्ह त बाबा मां उहा ई ॻाल्हि कई, टिकटॉकर्स हुजनि फीमेल कहिड़ियूं बि, मतिलबु उन्हनि जी आदत हूंदी आहे त असांखे मेकअप सिखणो आहे ऐं बाक़ाइदा सिखणो आहे, त हिते आऊं बीहां थी, आऊं पाण बि सिखां थी। इनसे पूछते हैं कि आइस पर आप जो मेकअप कर रही हैं ये कौन सा कलर जो है यूज़ कर रही हैं, किस तरह से कर रही हैं, ब्रश कौन सा यूज़ कर रही हैं, सारे बताएं। मैं ये मस्टर्ड कलर है, जैकलिन की पैलेट है, मस्टर्ड और येलो शेड को मिक्स करके मैं ब्लेंड कर रही हूँ, कट क्रीज होते सॉकेट एरिया उसको मैं जो है ब्लेंड आउट कर रही हूँ अच्छे से, ताकि कोई लाइन नजर ना आए। तो व्यूअर्स तुम गौर से ऐसो पे मेकअप थे पे तो फेस कट जो है वो पे तो खबर होजन घुर्ज फेस कट आए कड़ो उन हिसाब से तक कंट्रोलिंग करनी होंगी है, पे तो बेस लगो उन कंट्रोलिंग थी बाकायदा से जो है लाइट टोन रखो पो। अच्छा मायूं जो थींदो इहो आहे वनवा जी अगरि दुल्हन खे ॾिठो वञे उन कुंवार खे बिल्कुलु लाइट टोन ते रखियो वेंदो आहे जीअं उहा शादी में बिल्कुलु चेंज लॻे। चेंज कीअं लॻंदी उहो तव्हांखे असां लाइव ॾेखारियूं था, त जॾहिं असां शादी जी दुल्हन तयारु कंदासीं न ओॾीमहिल त तव्हां गौर सां ॾिसजो केतिरो केतिरो मेकअप हैवी यूज़ थींदो ऐं ओॾीमहिल डार्क कलर यूज़ थींदा, बिल्कुलु डार्क टोन हूंदो, पर हींअर बिल्कुलु सिंपल लाइट टोन नेचुरल हिकिड़ो लुक ॾिए पियो थो, त ॾाढो ख़ूबसूरत। अभी आप जो है ब्लेंड ही कर रही हैं अभी तक? नहीं, अब मैं दूसरा शेड लगा रही हूं येलो लेके, ओके, आईबॉल के ऊपर लगा रही हूं ताकि थोड़ा सॉफ्ट लुक आए। सही, तो इनके आईब्रोज भी मेरे ख्याल से जो है वो इतने ज्यादा थिक नहीं है, तो आईब्रोज को भी आपने कवर किया हुआ है, लाइट सा फिल किया है, बहुत लाइट सा, वो भी लाइट ब्राउन शेड के साथ, क्योंकि ताकि नेचुरल लुक लगे, नेचुरल लुक लगे, ज्यादा हैवी भी ना आए, बड़ा खूबसूरत। और इन्होंने कलर कॉम्बिनेशन जो की हुई है जो है आप भी देख सकती हैं बुनीबा साहिबा, कि इन्होंने येलो एंड ग्रीन का इस्तेमाल किया हुआ है ना, तो ये हमारा बहुत, मैं समझती हूँ सदियों से चलता आ रहा है कि यही कलर जो है थी है। लेकिन सलवार देखें जो नीचे इन्होंने ट्राउजर वगैरह पहना है, ये बिल्कुल चेंज है, चेंज नजर पड़ती है। हाँ, चेंज यही होता है कि आप एकदम से फील करें कि कुछ डिफरेंट है, कुछ डिफरेंट है डेफिनेटली, तो ये बड़ा इन्होंने अच्छा कॉम्बिनेशन किया हुआ है ना, त घूंटे जो कम इनके असं चवंदा आहियूं व्यूअर्स ताईं, जेको आहे येलो जेका शर्ट आहे उन ते बि घोटे जो कमु थियल आहे, स्पेशली अॼुकल्ह जेके ॿिया कलर इन थिया आहिनि, मुनीबा जीअं ॻाल्हि कई त येलो सां गॾु डार्क कलर ॾाढा इन थिया आहिनि, शॉकिंग पिंक आहे या इहे कलर, त मुंहिंजी कोशिशि हूंदी आऊं पंहिंजी शादी लाइ त अहिड़ा कलर वठंदमि जेके अॼुकल्ह इन थी चुका आहिनि। डेफिनेटली हर औरत चाहींदी आहे असां जेके आहिनि अहिड़ा ई कलर यूज़ कयूं। अच्छा अभी जो है लाइनर जो है आप लगाएंगी क्या? जी, डार्क शेड पे जाएंगी जो कॉर्नर्स होते हैं? नहीं, बिल्कुल ही लाइट पे रखेंगे ताकि मेहंदी में थोड़ा हैवी लुक हो जाए। ओके,
मेहंदी लाइ बचाए पे रखूँ असा ये टिप्स तक जो सीखो है सीखी वो ऐडो जबरदस्त लुक अचे पे तो ये हमारी बहन बैठी हुई है इनसे मेहंदी थोड़ी बहुत मैं भी लगा लूँगी विवर्स तुम भी सीखी वो मेहंदी जी डायरेक्शन होंगे स्पेशली मेहंदी जी अगर मेहंदी की बात की जाए तो ज़्यादातर लोगों की स्किन जो है सेंसिटिव भी होती है ना कि मेहंदी लगा रही होती है कि उनको पता भी नहीं होता है अगर लगाएंगी तो मैंने देखी है बहुत सारी ऐसी औरतें उनकी स्किन ऊपर आ जाती है तो उसकी क्या वजह है वो भी ज़रा आप हमें बताएं। केमिकल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अच्छा अब पहले तो होता था कि घर में हमारी अम्माएँ बनाती थी पहले उसका अर्क निकालना पस में प्याज और अलग अलग घर के जो इन्ग्रीडियंट्स होते हैं उससे मेहंदी बनाते थे। अब किसी के पास टाइम ही नहीं है और हमें डार्क कलर चाहिए तो एमरजेंसी कोन और ब्राइडल कोन के नाम से इतनी मार्केट्स में अवेलेबल है कि वो लगाओ और आपकी स्किन पूरी जल जाती है। हाँ तो है काफ़ी मैं देख रही हूँ कि दोबारा से ट्रेंड वापस आ रहा है ऑर्गेनिक कोन्स के नाम से अब मेहंदी जो है बनने लगी है। उसमें ये होता है कि आपको कम से कम 2 से 3 दिन पहले ही मेहंदी लगवानी पड़ती है क्योंकि वो लाइटली स्टेन होते होते फिर आपका जो मेन इवेंट है ना उस पर बिल्कुल डार्क लुक आ जाता है। सही ज़्यादातर लड़कियों की ख्वाहिश होती है कि हमारी मेहंदी डार्क हो जाए और ये भी अभी बस ये मशहूर आए तो जे छोकरी जो जो थियण वो मुड़स है वो उन प्यार कह तो मेहंदी जो कलर पर जो ब्रेक जो मुख्य पे वे ये शूंदी रही ज़ाहिर असो है ये चवान तो रवायतुन जो असाफत जो हिस्सों भी है मेहंदी जी वह सुन्नत भी है उनसे अब गाली लाइव इंदी तक मेहंदी जो दिखारी ये अदी स्टार्ट की मेहंदी पर ब्रेक जो वक्त थी चुको है न्यूज़ ब्रेक की तरफ वन पे प्रोग्राम में असा तावन किया है गाला बिस्किट गडोगड डालडा कलुंजी कैनोला कुकिंग ऑयल फॉर वी सोप मिलन मसाला असा तावन किया है लेला ब्यूटी क्रीम गडोगड मुगल हैबिट सीड पारा असा तावन किया है असि तमाम घना शुक्रगुजार आए उन ब्रांड्स जहाँ हलूँ था नंढड़ी ब्रेक की तरफ ब्रेक का असंदी सुबह के आवाज़ में हि फैशन वीक है इन वीक में अस तक खोड़ शूँ तुम फायदे जो इलाही शूँ हैं अना खोड़ सारा सरप्राइजेज सुनता रहो सुबह जो आवाज़ सुबह के आवाज़ में एक दफो वरी अवां सभनी के वेलकम कयूं था खुशामदीद जिते हुजो खुश हुजो स्पेशली ही पूरो हफ्तो असीं सेलिब्रेट कयूं पिया फैशन वीक आहे इन में असां खोड़ शयूं इन कयूं आहिनि कोशिश आहे अॼु असां जीअं आगाज़ वरितो आहे खोड़ सारियूं ब्यूटी टिप्स अवां खे ॾिनियूं आहिनि उन सां गॾो गॾु न्यू फैशन में छा इन थी चुको आहे उन ते बि ॻाल्हायूं पिया था हिकु तरफ़ मेहंदी लॻे पई थी हिकु तरफ़ वनवा जी दुल्हन जो मेकअप जेको आहे उहो थिए पियो थो ऐं ॿी तरफ़ जेको आहे तमामु बहितरीन ईअं चवां त ब्यूटिशन आहिनि ब्लॉगर बि आहिनि तमामु बहितरीन पर्सनैलिटीज़ असांजे विच में मौजूदु आहिनि सारा ज़ी आहे मुनीबा सऊद आहे उन्हनि सां ॻाल्हायूं था त केजुअल ड्रेसिंग में कहिड़ा कहिड़ा कलर इन थी चुका है वापस वही सवाल आऊँ करना चाहिंदम जी डार्क कलर्स हैं लेकिन उनके कुछ टोन्स ऐसे हैं जो हमें आंखों को जो ठंडक लगते हैं वो पहनने चाहिए खासकर ये गर्मी के अंदर वैसे बेसिकली यही कहते हैं कि लाइट टोन्स ही पहने गर्मी में लाइट कपड़ा पहने क्योंकि गर्मी है और आजकल जो हमारा चल रहा है खासकर ये कराची तो बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना गर्मी की शदीद लपेट में आया इतनी गर्मी कराची में कहाँ से आ गई जी पहले नहीं होती थी अब ज़्यादा होने लगी है तो ह्यूमिडिटी कलर्स में हमें केयर करनी बिल्कुल करनी पड़ती है तो लाइट टोन्स भी है डार्क टोन्स भी है सिलेक्टिव कलर्स होने चाहिए जो आंखों को अच्छे लगे ब्लैक अवॉइड करें और जैसे वो बहुत डार्कर जो नेवी कलर होते हैं वो अवॉइड करें कोशिश करें कि लाइट कलर पहने लाइट कपड़ा पहने और कैजुअली में भी आ जाते हैं बेसिकली कैजुअल क्या होता है जिसमें आप कंफर्टेबल हो कंफर्टेबल अब वो नहीं है कि आप भरे भरे सितारों वाले कपड़े पहन रहे हैं और ये पहले होता था पहले होता था हाँ अब हो चुका है ना कि सिंपल आप जितना सिंपल रहते हैं उतना ज्यादा आप खुद भी रिलैक्स एक्चुअली मेकअप का ट्रेंड है ना हमें हैवी ज्वेलरी पहननी है और हैवी मेकअप करना है हेयर स्टाइल करने तो अगर कपड़े भी आपके हैवी होंगे तो आप तो बिल्कुल ऐसे लगेंगे कि W11 की डमी लुक आएगा ना आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल से हटके बिल्कुल एक नेचुरल लुक आना चाहिए मतलब कोई चीज ऐसी हो जो अलग लगे और आप सामने वाला अट्रैक्ट हो कि दिस इज समथिंग डिफरेंट ये होना चाहिए ये चीज़ ये बड़ा जबरदस्त है एक्वा कलर्स मैंने वही बोला कि ब्लू है ये आजकल ये ट्रेंडी है आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है ब्लू सही क्या बात है अच्छा सारा जी आपकी तरफ आऊँगी जैसा कि आज हमने आगाज़ ले लिया है कि मेहंदी की रस्म है और कल जो है हम मायूँ का बाकायदा आगाज़ करने वाले हैं हम पाँच व्यूवर्स के ज़रूर ये बुधा चाहम अज तो सिर्फ मेहंदी की रस्म जो प्रोग्राम असो है पर सुबह असं स्पेशली जो है मायूँ जो पूरा सेटअप रखो है वनवा में जेके जेके रस्मू थन्दू उन
असीं ॻाल्हाईंदासीं त कहिड़े नमूने सां वनवा जी जेका कुंवार हूंदी आहे उनखे विहारबो आहे ऐं असांजूं पंज सत भेणियूं जेके शादीशुदा हूंदियूं आहिनि उहे अची करे कहिड़े नमूने सां उनखे मिठाई बि खाराईंदियूं आहिनि ऐं कप जेका आहे ॿोड़े करे तेल जी उनजे मथे ते हणी वेंदी आहे। इहे सभु असांजी रस्मूं असां वटि थियनि थियूं त डिफ़रेंट डिफ़रेंट कल्चर्स आहिनि पाकिस्तान में इन थियल। हर इंसान पंहिंजे तरीक़ेकार सां हलंदो आहे, असां सिंधी वरी पंहिंजियूं रस्मूं आहिनि एॾियूं प्यारियूं ख़ूबसूरत रस्मूं। हर रस्म ख़ूबसूरत आहे त उन रस्म जी ख़ूबसूरती वरी इन सां आहे त अगरि असांजी कुंवार ख़ूबसूरत लॻे थी त कल हम क्या क्या करने वाले हैं वो भी आप हमारे व्यूवर्स को बताएं। कौन कौन होगा, बड़ी खूबसूरत और दिलचस्प, ये मैं कहूँ कि बड़े प्यारे प्यारे फेसेस हमारे साथ आने वाले हैं इंशाल्लाह। कल जो है, आज तो हमने एक वार्म अप सेशन था हमारा, तो एक मेकअप आर्टिस्ट है क्योंकि आगाज करना था। हाँ, बिल्कुल, ऑडियंस को हमें एक जोश देना था कि हम आ गए हैं, हमारा कम बैक हो गया। कल इंशाल्लाह 3-4 मेकअप आर्टिस्ट होंगे, पूरा वो एक जो है ना एनवायरमेंट लगेगा कि हाँ शादी वाला घर है यहाँ पे, और मुख्तलिफ ट्रेंड जोड़े नजर आएंगे आपको, मुख्तलिफ मेकअप आर्टिस्ट होंगे, उनके अपने अपने लुक्स होंगे। क्या बात, रस्मों पे भी बात करेंगे, मेहंदी की रस्में अलग होती हैं, माइयों की रस्में अलग होती हैं, सालियों की, हाँ उन पर भी बात करेंगे हम, उस पर भी करेंगे, डिफरेंट चल रहे हैं आजकल हेयर स्टाइल्स पे अगर बात हो रही है तो हेयर स्टाइल आजकल बहुत कम हो गए हैं, बैक कॉम्बिंग का ट्रेंड बहुत कम हो गया, लूज कर्ल्स, टॉन्ग्स बहुत ज्यादा है, एक्सटेंशन आसानी हो गई बड़ी, बिल्कुल अपने बाल छुपा लो, और आजकल तो मेरे ख्याल से बहुत कम कोई ऐसा है जिसके बालों में हाई लाइट्स, लो लाइट्स या कलरिंग नजर नहीं आएगी, तो कलरिंग पे भी कल बात करेंगे बालों के साथ साथ उसके साइड इफेक्ट्स, उसके बेनिफिट्स और उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है, सारी चीजें हेड टू टो हम पूरा डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अभी हम अपने मेकअप की ओर चलते हैं और मुनीबा जैदी साहिबा, मेकअप आई थिंक कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट डन है, और अभी आप ज्वेलरी पहना रही है, ज्वेलरी आ है मुनीबा सऊद जी हथ जी ठल आई पाण माशाल्लाह सा एडी बेहतरीन फ्लोरिस्ट आ हैं, ज्वेलरी मेकिंग पाण कन थियो त जेको आ इता ज्वेलरी दिसी सको ता क्लोज करे असा जा मेकअप जेके आ कैमरामैन दिखारदा त केडी प्यारी लगे पई थी, एकडो त सिंपल मेकअप आई सिंपल मेकअप सा गड ज्वेलरी जी वेयरिंग एडी खूबसूरत त तव्हां ॾिसी सघो था असांजी प्यारी ऐं नाज़ुक ऐं ख़ूबसूरत मेकअप थियल असांजी जेका आहे वनवा जी दुल्हन आहे कुंवार आहे ॾाढी सुहिणी लॻे पई थी। गॾोगॾु कोशिशि हूंदी त थोरा सा आप इनका हेयर स्टाइल बि अगरि बना लेंगी तो बि हम उस तरफ़ आएंगे। अगरि कैमरामैन फोकस कनि मेहंदी खे त मेहंदी जी डिज़ाइन तव्हां ॾिठो एतिरी बारीकी सां लॻे पई थी मेहंदी, ऐं असल इहेई चीज़ होती है ना सारा कि हम जो है मेहंदी वैसे तो बहुत हैवी लग रही होती है ना कि एकदम से लग जाती है, लेकिन ये जो बारीकी वाली मेहंदी होती है बड़ी मुझे तो बड़ी मूंखे ॾाढी पसंदि आहे, यकीन हर छोकिरी चाहींदी आहे उनखे बारीकी वारी मेहंदी। और मेहंदी की डिटेल अगरि हमें लेनी है तो बेहतर यही है कि समन बोलेगी तो वो बताएगी क्या, उनकी तरफ तो आएंगे हम, बिल्कुल जो लास्ट ब्रेक होगा ना वो मैं समन से भी बात करूंगी, जवेरिया से भी बात करूंगी, लास्ट जो हमारा ब्रेक होगा इसमें मैं चाह रही हूँ कि हम खुद भी थोड़ा सा मेहंदी पर जो है ना वो बात कर लें, लेकिन क्यों ना हमारे प्रोग्राम में जोश डाला जाए और एक कलाम की तरफ जाया जाए, अगर टाइम है तो प्लीज़ मुझे बताया जाए कि क्या हम कलाम चला सकते हैं इस ब्रेक में, तो ज़रूर असांखे बुधायो वञे अगर ओके ऐं मूंखे लॻे थो त अञा वधीक जोश आणण लाइ कलाम ज़रूरी हूंदो आहे, असीं जीअं इंजॉय त कयूं न लम्हनि खे त असां हिन माहौल में वेठा आहियूं ऐं जेको आहे संगीत बि असां सां गॾु ई मौजूदु आहे। जी हाशिम हुसैन आयो मुझे अंगण ते परदेसी, दिल खुश थिया जंहिंखे साम्हूं ॾिसी, साहु सजण तां फिदा कयामत लख भेरा बिस्मिल्ला कयां। आयो मुझे अंगण ते परदेसी, जंहिंखे साम्हूं ॾिसी, आयो मुंहिंजे अंगण ते परदेसी, दिलि ख़ुशि थी आहे जंहिंखे साम्हूं ॾिसी, साहु सजण तां साहु सजण तां विदा कयां, मां त लख भेरा बिस्मिल्ला कयां, बिस्मिल्ला कयां।
छोड़ जाती मैं खत्म बेरा बिस्मिल्लाह कयां ओ बिस्मिल्लाह कयां बिस्मिल्लाह कयां बिस्मिल्लाह कयां ओ बिस्मिल्लाह कयां बिस्मिल्लाह कयां बिस्मिल्लाह कयां ओ बिस्मिल्लाह कयां बिस्मिल्लाह कयां आयो मुझे अंगण ते परदेसी दिल खुश थिया जंहिंखे सामूं ॾिसी साहु सजण तां फिदा कयां मां त लख भेरा बिस्मिल्लाह कयां ओ बिस्मिल्लाह कयां बिस्मिल्लाह कयां बिस्मिल्लाह कयां बिस्मिल्लाह कयां बिस्मिल्लाह कयां बिस्मिल्लाह कयां अंगण ते परदेसी मां त बिस्मिल्लाह कयां ही तव्हां एॾी सुहिणी ॾिसो पिया एॾी प्यारी असांजी कुंवार रेडी थी चुकी आहे हुनजो मेकअप ॾिसो ऐं जेको आहे माशाल्लाह सां आप आ जाए और ये हमारी मेकअप आर्टिस्ट है मुनीबा साहिबा इन्होंने सारा आप भी आ जाए ना आप देखें तो सही कितनी प्यारी तैयार किया है ये देखें कलर कॉम्बिनेशन मुनीबा आप भी आ सकती हैं अगर देखें आके आप भी अगर कोई बात नहीं लेकिन हम अपने व्यूवर्स को दिखा सकते हैं कि व्यूवर्स तुम ऐसी सको था एडी प्यारी दुल्हन असानी रेडी थी चुकी है उनकी ज्वेलरी तसो एडी जबरदस्त लगे पई थी और हम सब इसलिए खड़े हो गए ताकि क्योंकि हमारी दुल्हन जो है ना वो रेडी हो चुकी है आप कैंडी साइड पर हो जाए ताकि हम सब ही नजर आए स्पेशली हमारी दुल्हन को फोकस करें व्यूवर्स ऐसो तुम ऐं घर वेठे तव्हां कीअं तयारु करे सघो था हिकु वनवा जी जेको आहे कुंवार खे उहो तव्हां ॾिसी सघो था एॾो घटि टाइम में ऐं एॾो सिंपल तरीक़े सां एॾी सुहिणी लॻे पई थी फीडबैक ज़रूरु ॾियो असांखे फीडबैक जे ज़रिए असांखे ॿुधायो त असां अॼु कलर जा जेके कलर इन थिया आहिनि सुबुह जे आवाज़ जे पेज ते स्पेशली असांखे मैसेजिस करे तव्हां जीअं ॿुधाईंदा आहियो गाइड कंदा आहियो अॼु असां जेको आहे स्पेशली असांजूं हीअ पूरो हफ़्तो जेको आहे न असां पंहिंजी अधी भेनरुनि जे नाओं कयो आहे ऐं उन्हनि जे अगरि मां ॻाल्हि कयां त हिन खां पोइ जेको असांजो नेक्स्ट वीक हूंदो न उहो अञा वॾी सरप्राइज़ हूंदी उन में अञा बहितरीन पर्सनैलिटियूं ऐं स्पेशली असां कोशिशि कई आहे त कुझु उन में बिल्कुलु ई इनोवेशन हूंदियूं ऐं सिंधी मीडिया में पहिरियों दफ़ो इन
अच्छे के असीं ॾेखारींदासीं जो डिफरेंट डिफरेंट शयूं नयूं ऐजाद नई इनोवेशन हूंदी ऐं इहो क्रेडिट हमेशह आवाज़ टीवी खे वेंदो आहे असांजी कोशिशि आहे त आवाज़ टीवी मुंहिंजो बि मदर ऑर्गनाइज़ेशन आहे असांजी खोड़ दुआऊं आहिनि त अञा वधीक कामयाब तरीन थिए त हीउ स्टार जेको असां वरितो आहे आई होप अवां सभिनी खे ॾाढो वणियो हूंदो ऐं कोशिशि आहे हीउ त सिर्फ़ु आगाज़ आहे आगे आगे देखिए होता है क्या ये तो सिर्फ आगाज़ है भाई तो बड़ी प्यारी लग रही है हमारी जो दुल्हन हमारे साथ मौजूद है और इनका क्रेडिट जाता है इनको मुनीबा साहिबा को ये मेकअप आर्टिस्ट हैं और बहुत शुक्रिया आपने बहुत ही प्यारा मेकअप किया है भाई व्यूअर्स हलूं था नंढड़ी साही की तरह ब्रेक ते वेंदासीं ब्रेक ते वञण खां पहिरियां गाला बिस्किट आप लोग डेफिनेटली खाते होंगे मैं हमेशा उसकी तारीफ़ इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं खुद भी मां पाण भी गाला बिस्किट खाईंदी आहियां गाला बिस्किट असां 57 कयो आहे गॾो गॾु प्रोग्राम में डालडा कलौंजी केनोला कुकिंग ऑयल असां 57 कयो आहे फॉरवी सोप लैला ब्यूटी क्रीम मिलन मसाला उन सां गॾो गॾु जेको आहे मुगल हाइब्रिड सीड असां 57 कयो आहे तंहिं करे व्यूवर्स असीं तमामु घणा शुक्रगुज़ार आहियूं इन्हनि ब्रांड्स जा स्पेशली डालडा कलौंजी केनला कुकिंग ऑयल जा उन में कलौंजी जो इस्तेमालु असां लाइ ॾाढो बहितरीनु आहे हमीदा जी ऐं सुबुह जे आवाज़ जी पूरी टीम जी कोशिशि आहे उहे शयूं खणी अचूं जेके अव्हांजे फ़ाइदे लाइ हुजनि त हलूं था ब्रेक जी तरफ़ ब्रेक खां पोइ ईंदासीं ब्रेक खां पोइ मिलंदासीं के असांजे मारूअड़नि खे उहो ॾियूं त घर वेठे तव्हां सेलिब्रेशन कहिड़े नमूने सां करे सघो था थोरी ख़ुशी बि इंसान जी ज़िंदगी वधाईंदी आहे त उन्हनि ग़म इहे जेके ग़म आहिनि तकलीफ़ूं आहिनि ॾुख आहिनि इहे त असांजी ज़िंदगी जो हिसो आहिनि ई पर इन परेशानियुनि खां हिन परेशानी जे दौर में अगरि पंहिंजो पाण खे परे रखिणो आहे न अहिड़े क़िस्म जा प्रोग्राम ॾिसो ऐं चहिरनि ते मुर्कू रखो ऐं स्पेशली इंफॉर्मेशन तव्हांजी वधंदी तव्हांखे वधि खां वधि नॉलेज मिलंदी ऐं स्पेशली असांजी अदियूं भेनरूं माइरूं जंहिंजे नाओ ई असां पूरो हफ़्तो कयो आहे ऐं उहे जेके आहिनि तमामु क़ाबिल एहतराम आहिनि असां लाइ असां उन्हनि जे नाओ कयो आहे हीउ पूरो हफ़्तो त असां सां गॾु ई मौजूदु हूंदियूं हिते बि हूंदियूं असांखे लाइव ॾिसंदियूं बि हूंदियूं सिंध मां ॾिसंदियूं हूंदियूं असांखे ओवरऑल पाकिस्तान दुनिया जी कुंड कुड़ मां ॾिसंदियूं हूंदियूं उन्हनि सभिनी जे नाओ आहे हफ़्तो त अॼु असां बाक़ाइदा हिकु रस्म जो स्टार्ट कयोसीं पहिरियों ॾींहुं आहे हिन पासे साराज़ी आहे हिन पासे जेको आहे मुनीबा सऊद आहे हेॾां वरी मुनीबा ज़ैदी साहिबा पंहिंजो कमु कंप्लीट कयो असां तव्हांखे ब्रेक ते वञण खां पहिरियां पूरी हिकिड़ी कुंवार ॾेखारीसीं त केॾी सुहिणी लॻे थी ऐं वरी असांखे जेके ॿियूं जेके रस्मूं आहिनि उन्हनि जी तरफ़ वेंदासीं मेहंदी सुनत आहे ऐं मेहंदी कुंवार खे या जेके कुंवार जा ॿिया मिट माइट अज़ीज़ रिश्तेदार जेके भेनरूं सोटूं मासातूं सभु लॻाईंदियूं आहिनि न त मेहंदी की तरफ़ आएंगे ये समन साहिबा आप बड़ी ख़ूबसूरत मेहंदी लॻा लेती हैं भाई ये पूरा क्रेडिट जो इन्होंने इतनी खूबसूरत मेहंदी का लुक दिया हुआ है ना ये आपको जाता है और आप स्पेशली मिंसाज के नाम से फेमस हैं तो बड़े बड़े पर्सनालिटीज भी आपसे लगवाते हैं इवन मैं भी आपसे लगवाऊंगी मैं ऑन एयर कह रही हूँ चले तो ये मुझे बताएं कि माशाल्लाह से कब से आप लगा रही इतनी सफाई है आपकी मेहंदी में आपके हाथ में भाई बहुत बहुत शुक्रिया बस मेहंदी में लगा रही हूँ मुझे 2 years हो गए अल्हम्दुलिल्लाह दो साल में इतनी सफाई आ गई आपके दो साल में और क्योंकि बिल्कुल रेगुलर होता है हमारा बुकिंग्स वगैरह ब्राइड्स की और पार्टी मेहंदी वगैरह एक वक्त में हम लोग 35-35 लड़कियों को भी मतलब जो फैमिलीज मेंबर्स होते हैं उनको कवर कर लेते हैं मतलब मेरी टीम होती है टीम भी होती है और कहीं पर मैं अकेले कवर कर रही होती हूँ जैसे ब्राइड्स वगैरह अब मेहंदी में होता यूँ है कि 3-4 किस्म की मेहंदी है जैसे कि इंडियन वर्क है ट्रेडिशनल है सिग्नेचर है और उरूसा वर्क है उरूसा वर्क जैसे कि लाइक दिस मैंने ये उरूसा वर्क लगाया इनको उरूसा वर्क में बिल्कुल बारीक काम यूज़ होता है और सिग्नेचर वर्क में जो अक्सर लोगों को काशीज के नाम से ज़्यादा बहुत ज़्यादा मशहूर है तो वो काशीज की मेहंदी नहीं होती वो एक्चुअली सिग्नेचर मेहंदी कहलाती है इन्फॉर्मेशन बढ़ा दें क्योंकि लोग जहाँ भी जाते हैं तो वो फ्री में मार्केटिंग हो रही थी हम भी कोशिश करेंगे उनको बुलाएं कि काशी मेहंदी लगाती है काशी नहीं होती और मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि काशीज का जो आगाज़ है ना वो सबसे पहले आवाज़ टीवी से हुआ था अच्छा तो सबसे पहले वो बैग लेके आए थे जीशान भाई उनको मॉर्निंग शो में लेके आए थे और उनका आगाज यहाँ पे हुआ था जब हमारा स्टूडियो 5 फ्लोर पे था तो ये बहुत पहले की बात है वो बिल्कुल छोटा था
बहुत, अच्छा। अभी भी इतना बड़ा नहीं है लेकिन बहुत छोटा सा था कि 2011 की बात है ये। अच्छा। अब फेमस तो वो अभी हुआ है इतने सालों बाद, लेकिन अच्छी बात है। मैं चाहती हूँ असं चाहूँ तो असा नौजवान औरतूँ हुजन छोकरा हुजन उहे अॻियां वधनि। ऐं डेफिनेटली समन हमारे साथ है। समन जी आप प्लीज कंटिन्यू करें, तो एक साथ आप 15-15, 20-20 लोगों को भी मेहंदी लगा रही होती है। बिल्कुल, क्योंकि प्रैक्टिस में हाथ है, बिल्कुल रेगुलर चल रहा होता है, तो 10 मिनट में हमारे लाइक बंचेस कवर हो जाता है। ओके, अब पुराने डिजाइन बिल्कुल खत्म हो चुका है, अब न्यू जैसे गर्ल्स स्टाइल बंचेस आ गए हैं, मतलब इंडियन वर्क है, सारी चीजें उसको लेके चल रहे होते हैं। और स्टिकर टाइप लग रही होती है ना एक मेहंदी, मुझे तो वो बड़ी अट्रैक्ट कर रही होती है कि दूल्हा दुल्हन का भी फेस बना रहे होते हैं, दूल्हा दुल्हन का फेस भी बन रहा है, और मतलब स्काई लाइन भी चल रही है आजकल, जो ब्राइड की जो स्काई लाइन जैसे कि जो ऊपर से बहुत ज्यादा क्रेजी होती है मेहंदी की, वो ऊपर की तरफ जैसे कायदे आजम का टॉम वगैरह ऐसे है, सारी चीजें हैं, फिर दुबई की बिल्डिंग है कि मतलब अगर पाकिस्तान से दुबई जा रही है या फिर अमेरिका जा रही है, हाँ फेमस चीज बना दे, तो इस तरह की चीजें हम इंशाल्लाह ताला बनाते भी रहते हैं और बनाया भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी रिसेंटली मदिया, डॉक्टर मदिया खान को भी मेहंदी लगाई है, डॉक्टर मदिया खान को मेहंदी लगा के आई हमारे साथ बैठी हुई है। समन ये हमारे साथ जवेरिया है, इन्होंने आपसे मेहंदी लगवाई है। बेसिकली व्यूवर्स, जवेरिया फैशन डिजाइनर भी आए, अॼुकल्ह जा जेके फैशन जा ट्रेंड इन थिया आहिनि उन्हनि सां बि ॻाल्हायूं था। जवेरिया कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, आप सुनाए, आप कैसी हैं? जी जी, बहुत खुशी हो रही है आपके प्रोग्राम में आकर के, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा माहौल है, स्पेशली जो थीम है मायों की, ये तो बहुत ज़बरदस्त थीम है और इसी से हमारी खुशियों का आगाज होता है, क्योंकि जब भी हमारे यहाँ कल्चर में पहले मेहंदी और मायों को ही खास किया जा रहा है, मेरे हाथ में बड़ी खूबसूरत, हाँ बड़ी प्यारी लग रही है, मैं यही देख रही हूँ। हाँ, जवेरिया के हाथ भी बड़े खूबसूरत हैं, बड़े गोरे से, और उसमें जब मेहंदी लगी है तो वो उसका लुक ही विवर्स थी सको था, एडो खूबसूरत पियो लगे, त आऊं पाण भी मेहंदी लगाईंदमि ऐं कोशिशि कंदमि त असां लाइव मेहंदी लॻायूं, त सुभाणे जेको आहे कोशिशि हूंदी मुंहिंजी थोरी मेहंदी जेका आहे आऊं पाण बि लॻाए वठां। त हिकु जेका असांजी मेकअप आर्टिस्ट जी, आपको बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी जो है हमारी दुल्हन जो है आपने रेडी कर दी है, तो बहुत प्यारी माशाल्लाह से। आप कब से काम कर रही है ये भी मैं आपसे ज़रूर जो है जानना चाहूँगी, नेक्स्ट जो हमारे दिन आते रहेंगे उनसे भी खूब बातें होंगी, लेकिन हमारी बहुत सारी बातें अभी रह गई हैं जो सारा जी और मुनीबा सऊद से भी हम करेंगे, कि जैसा कि आप ये ज्वेलरी आपने बनाई है, मुझे लग रहा है ये आपने स्पेशली इनके लिए ही बना के आज लेके आई हैं, इत्तेफाक की बात है जी, वही इतना खूबसूरत लुक आ रहा है उनका, ऐसे लग रहा है इसी ड्रेस के लिए ये ज्वेलरी बनी थी। और अच्छा, ये देखिए कि आपको लग रहा होगा कि इन्होंने रियल फ्लावर्स की ज्वेलरी पहनी है। हाँ, ये चीज ही थी के अंदर बड़ी खूबसूरत लग रही है। हाँ, वही और फ्रेश वॉशेबल है, फ्रेश फ्लावर्स थोड़ी देर में ना वो झड़ने लगते हैं, हाँ, खराब होने लगते हैं, यही ये बड़ा मसला हो जाता है ना कि एक एक फूल करके गिर रहा होता है, लास्ट में वो लकड़ियाँ बच जाती हैं, फिर उसकी फोटोग्राफी का मसला है। व्यूअर्स, इन शे का बचणो आहे असांखे, त डेफिनेटली तव्हां वॉशेबल ज्वेलरी यूज कयो, तो ये रेंज में आ जाती है कि अगर कोई भी लेना चाहे तो आराम से ले सकता है, ये थोड़ा सा आप बता दें। डिपेंड करता है कि आप कितना हैवी बना रहे हो। बिल्कुल, जितना हैवी डिजाइन होती है क्योंकि मेहनत लगती है। एक हम चीज जो फैक्ट्री मेड होती है, अक्सर बहुत सारे लोग मेरे कॉम्पिटिशन में आ गए, वो कहते हैं कि हम भी फ्लोरिस्ट है, हम भी कहती हूँ भाई ठीक है आप फ्लोरिस्ट हो, एक चीज है जो मार्केट में अवेलेबल है, आप वो फ्लावर्स लेके उसको असेंबल कर रहे हो, एक आप खुद बना रहे हो, इसमें एक एक कली मैं अपने हाथ से बनाती हूँ, तो ऑब्वियसली उसमें डिफरेंस तो आएगा, ह्यूमन एफर्ट्स की हमेशा वैल्यू ज़्यादा होती है, हाँ, तो थोड़ी कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन आप एक दफ़ा बाय करते हैं बार बार पहनते हैं और पूछते हैं लोग कि आपने कहाँ से लिए, डिफरेंस तो क्या नज़र आता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि लुक से पता चल जाता है कि भाई कितनी मेहनत की हुई है, कितना टाइम टेकिंग ये प्रोसेस होगा, बहुत आला, मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करती हूं। 12 इयर्स हो गए मुझे माशाल्लाह से, 12 साल, छोटी 12 साल हो गए ज्वेलरी बनाते। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो जाहिर सी बात है ऐसा लुक तो डेफिनेटली आएगा, और अल्लाह आपको और कामयाब करे। लोग आपसे रابطہ करेंगे कि आपके पेज का नाम बता दें, मुनीबास ग्रैंड वार्डरोब के नाम से, और मुनीबास के नाम से मेरा ब्रांड है, आप कहीं भी सर्च करेंगे आपको स्टार्ट में मेरा नाम ही नजर आ जाएगा। ठीक है भाई, मुनीबास के नाम से हम शेयर आज से जो है ना शेयर भी करेंगे, देखेंगे भी खुद जाके, वहां से हमें कुछ लेना होगा तो उनसे लाइव ऑर्डर भी कर लेंगे। सुभाणे जायरन सुभाणे बस असा गड हुंदियूं,
कल का क्या प्लान बना रही हैं, कल क्या लेके आएंगी, कुछ नया, बिल्कुल नई कोई ज्वेलरी आप लाइएगा और हम दिखाएंगे अपने लोगों को जो हमारे व्यूअर्स हैं क्या लाएंगी कल। कल मेहंदी के हिसाब से बहुत एक्साइटिंग चीजें आने वाली है। ओके, मुझे, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ भाई, व्यूअर्स इंतजार आज थोड़ा सा सबर करवाएंगे ना कि देखते हैं, तो वेट करवाएंगे, इंतजार जी घर जे के होंदा ना मजो पांजो ही होंदा है, तो इंतजार कयो सुभाणे कुछ खास आए, छा खास आए, केड़ा सरप्राइज होंदा, केतरा कलरफुल उहे असांजा महिमान हूंदा, केतिरो कलरफुल उहे असांजी ॻाल्हियूं हूंदियूं, या ईअं चइजे त कम वारे इंफॉर्मेटिव नॉलेजफुल उहे शयूं हूंदियूं, उहे डेफिनेटली तव्हांखे मज़ो अचण वारो आहे सुभाणे जे प्रोग्राम में। और स्पेशली जो है अगर हम ये मेकअप की बात कर लें, सारा जी मैं आपकी तरफ आऊँगी कि इन्होंने जो मेकअप किया है बड़ा ही सिंपल सा, मैं चाहूँगी इस पर आप हमें थोड़ा सा बताएं, गाइड करें हमारे लोगों को। वही जैसे कि फर्स्ट इवेंट है, अभी शादी स्टार्ट हुई है, अब तो यानी बहुत सारी रस्में आ गई हैं, बहुत सारी चीज़ें होने लग गई कि पूरा प्रॉपर वीक फैमिलीज में भी सेलिब्रेट किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल किया जाता है। तो मुनीबा ने वही चीज़ जो है जेन में रखी है और कल मुनीबा इंशाल्लाह कुछ नया हमें दिखाएंगी, डिस्कस अभी नहीं करते क्योंकि वो सरप्राइज है, वो सरप्राइज रखा है ना हमने। तो वो बिल्कुल एक सटल सा सॉफ्ट सा बड़ा क्यूट सा लुक उसने किया है इवेंट्स को जेन में रख के, उसको वेरिएशन देनी है आगे आने वाले दिनों में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये वो वाला लुक है कि हम लोग अगर रूटीन लाइफ में भी करना चाहें तो ये कर सकते हैं इसको। बिल्कुल। मेकअप के हवाले से मैं ऐड करना चाहूंगी, डेली जो रूटीन होती है उस पे कैसा मेकअप करें। अब रोज तो हम हैवी और फुल कवरेज वाला फाउंडेशन नहीं लगा सकते, तो जो जो लेडीज हैं, जो लड़कियां हैं जिनकी फेस क्लीन है बिल्कुल, तो उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट ना डालें अपने फाउंडेशन लगाने की। आप सिंपल कंसीलर लें और अपनी अंडर आईज में लगा लें, या जो आपके साइड जब ब्लैक एरिया होते हैं हमारी लाफिंग लाइन, मेरी भी है लाफिंग लाइन होती है, यहाँ लगा के और हल्का सा फेस पाउडर लगा के अपना कॉन्ट्रोल कर लें, तो आपका लगता है आपने प्रॉपर मेकअप किया हुआ है। ये छोटे छोटे टिप्स हैं, खाली कंसीलर से समझना है बस। ये हम अगर छोड़ दें, प्रॉपर मेकअप अपनी तरफ से कर लेते हैं लेकिन वो उसका लुक नहीं आ रहा। एग्जैक्टली exactly. और टेंट्स आते हैं आपको चीक जो है ना अपने वो पिंक करने, नोज पिंक करने, तो टेंट लगा लें आप घर में बना सकते हैं, गुलाब का और अर्क लेके और उसमें हल्का सा फूड कलर डाल के अपने घर में टेंट्स बना लें, तो भी नेचुरल लुक लगता है, बहुत अच्छा प्यारा सा लुक देता है। कितनी प्यारी प्यारी टिप्स बता रही है ना, ये बड़ी काम की चीज़ें बहुत आसानी से और यूँ बता लेती हैं, उनको मैं फोकस कर रही होती हूँ ना, एकदम से पकड़ लेती हूँ कि घर पर भी गुलाब जो पानी खड़ी करे तो उन्हें जो टिंट ठाए सकूँ था वो तुम पाजी मतलब यूज़ कर सकूँ था, केतिरो आसान करे छॾियो आहे कमु जेको आहे ब्यूटिशियन, मेकअप आर्टिस्ट ऐं जेके डिज़ाइनर असांजा अची विया आहिनि उन्हनि ॾाढी आसानी पैदा करे छॾी आहे डेफिनेटली असां लाइ। तो सारा कल हम जो मेकअप करने वाले या जो आगे हमारे जो मेकअप होने वाले हैं लोगों को बड़ा ये मैं कहूँगी कि हमारी स्पेशली औरतों को बड़ा खूब दिली से इंतज़ार है कि भाई पता नहीं क्या होने वाला है, कौन सा मेकअप, रोज़ कुछ ना कुछ कोशिश होगी कि नया होगा डेफिनेटली। तो कल हम जो मेकअप करेंगे इससे थोड़ा सा डार्क टोन पर आ जाएंगे हम, वो थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि वो माइयों का इवेंट जो होता है उसमें ज्यादा हल्ला गुल्ला होता है और उसका उसके अकॉर्डिंग होगा, डिफरेंट मेकअप आर्टिस्ट भी मजीद हम लोगों के साथ होंगे, फिर वही आ जाएंगे, सबके अपने अपने सिग्नेचर लुक्स होंगे, तो उस पर ट्रेंड्स पे भी बात होती रहेगी और बारात पे भी यही होगा कि मुनीबा की भी एक नई चीज खुल के सामने आएगी जो मैं अभी नहीं बता रही, क्या बात ब्राइड के जो नजर आएंगी। हाँ, बहुत सारे अपने लोगों को भाई इतना इंतजार कैसे करवाएं, वो हमारे बहुत अजीज है हमारे देखने वाले, तो इंतजार भला ठीक है करे था वठो, आऊं पाण भी कया थी, मुख्य भी सिर्फ यो ही बुधाया पे वने, अच्छा तो सरप्राइजेज हूँ कड़ा सरप्राइजेज हूँ आखिर असा इंतजार में आयो, वो मुझे लग रहा है जैसे आज हमारा आगाज हुआ है ना, मुझे लग रहा है बड़ा खूबसूरत सा कोई सरप्राइजेज होंगे इनशाला, ये पूरा वीक हमारा जितना मानू असा दिसन पे डेफिनेटली उनके वणंदो। अच्छा ही कुछ बी ज्वेलरी भी मुझे हथ में आए तो ऐसी सोता ये भी अजकल मार्केट में आना तो इनके आ कोशिश क्या थी आऊँ पान भी पेरे वटा थो यो आए जो कदें कदें असें टाइम न हों असो आए जाहिर हर छोकरी चाहिए है खूबसूरत लगा अस अड़ी ज्वेलरीज पाँ इन तुम लुक तो ऐसो केडो खूबसूरत लगे पो छो न पाइंदी मुनीबा अप्रिशिएट करती हूँ इसमें कितना टाइम लगा होगा सिर्फ ये आपने बनाया होगा ये तो। देखें ये भी रेडीमेड फ्लावर्स है ये मेरे हाथ के बने हुए नहीं है अच्छा। ये मुझे मुश्किल से इसमें 15 टू 20 मिनट्स लगते बनाने में बस। ओके क्या बात है भाई 15 टू 20 मिनट्स में आप ये भी सारे फ्लावर्स इम्पोर्टेड हैं लोकल फ्लावर्स नहीं है ये सही कि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो चीज़ दूँ वो बेहतरीन दूँ खराब लोकल ऐसे ना दूँ तो ये होता भी यही है ना कि अगर इनको संभाल के रखने दूसरी जो शादियां आ रही होती हैं उनमें भी हम सालों कर साल सकते चलते हैं एक मेरी एक टीवी आर्टिस्ट है रीबा अभी विश यू नो हर तो वो क्या करती है कि वो एक और साथ मुझसे मंगवाती हैं वो अपने गले में भी पहनती हैं अपने हेयर टाई में भी यूज़ करती हैं अपने एंकल्स में भी वो लगाती हैं सही आप कुछ कर लाइएगा ना मैं ब्लू ड्रेस पहन के आऊंगी फिर मैं भी पहन लूंगी
ये लाइव कह रही कितना मजा आ रहा है ना, लड़कियों का यही तो होता है कि भाई मैं कल ये पहनने वाली हूँ, आप लाइएगा मुनीबा की चीज़ें जो है ना मैं कल वेयर करने वाली हूँ। तो व्यूअर्स ना डिसजो, सुबह मुझे लगे पे हो इंशाल्लाह, कल ब्लू ड्रेस है, मैंने थीम भी बता दी है, अब जो है आप उसको फॉलो करते हुए थोड़ी सी ज्वेलरी या कुछ लाइएगा जो मैं पहन के दिखाऊंगी हमारे व्यूअर्स को कि कितना खूबसूरत बनाती है व्यूअर्स ही। हालांकि इनमें मेहनत एडी थी लगी उन बावजूद भी उनकी कोशिश आई थे रेंज में हमारे प्रोग्राम पे आई है, कुछ थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी दे दें हमारे व्यूअर्स को, आपके पास आएंगे बिल्कुल डिस्काउंट मिलेगा। हाँ व्यूअर्स तो इतना सुबह जो आवाज़ जो नालो लिखी करे @ मुनीबा करे छी दो यो अस लाइव चूं पाई मुनीबा तुम डेफिनेटली डिस्काउंट कई जाहिर तड़े किस्म जो ज्वेलरीज पाण ढो आसान कर छोड़ो आवाज़ टीवी सुबह के आवाज़ तड़ो आसान कर छो जो तुम्हें फुल डिस्काउंट मिलनवारो है। वाह मुनीबा भाई क्या बात है बहुत आला अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर और मुझे इनशाला और जो है आगे भी और सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करने वाले और व्यूअर्स और आप सबको भी बताना चाहूँगी हम बहुत शुक्रगुजार है असा सा तावन किया है गाला बिस्किट पारा गडोगर असा सा प्रोग्राम में तावन किया है डालडा कलुंजी कैनला कुकिंग ऑयल उनका पोए फॉर्मी सोप असा सा तावन किया है उनका पोए इंदासी लेला ब्यूटी क्रीम त ब्यूटी क्रीम की गाल अचे पी तो असो इन वीक से ही रिलेटेड है त लेला ब्यूटी क्रीम हणो तुम भी घर में इस्तेमाल कर गडोगर जो है अस मिलन मसाला पारा तावन किया है फॉर्मी सोप है मुगल हाइब्रिड सीड पारा तावन किया है तो असं तमाम घना शुक्रगुजार आयो स्पेशली गाला बिस्किट और डालडा कलुंजी कनोला कुकिंग ऑयल जहाँ प्रोग्राम जो जो है मोकलानी जो वक्त अची चुको है खबर ही न पी केडो पानी वागुर प्रोग्राम हली वो तो सुभाने सोचो केतरो मजो अचण वो है त व्यूअर्स इंतजार कजो इनशाला सुभाने असा वट घो कुछ नव हों अज भी थैंक यू सो मच मुनीबा आपका भी बहुत शुक्रिया मरियम आपका शुक्रिया जवेरिया आपका शुक्रिया समन साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया स्पेशल थैंक्स मैं सारा जी को करना चाहूँगी जो ये पूरी टीम लेके आई है और हमारे जो है प्रोग्राम की खूबसूरती मुनीबा सऊद को भी थैंक यू करना चाहूँगी थैंक यू सो मच मुनीबा कल भी आप हमारे साथ होंगे दोनों ही और व्यूअर्स लास्ट में थैंक यू सो मच हाशिम हुसैन आई सुभाणे 9:09 ते फिक्स लाइव हुंदासी आई प्रोग्राम तवा रिपीट में भी दिसी सको ता रात जो 11:10 मिस डेफिनेटली मुझे खबर है जरूर स्पेशली आवाज़ टीवी जो जो पेज है सुबह जो आवाज़ या लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब चैनल आवाज़ टीवी जो उते वही करे भी दिसी सको था सब्सक्राइब कियो शेयर कियो कमेंट के जरिए असांखे बुधायो था असांजा प्रोग्राम्स केतरा इन्फॉर्मेटिव केतरा एंटरटेन तव्हांखे कनि था गडोगड कोशिश हूंदी त तव्हां लाइ रोज़ कुझु नओं खणी अचे सुभाणे खोड़ सारा सरप्राइज़िस हूंदा हमीदा रशीद ऐं मॉर्निंग शो जी पूरी टीम खे ॾींदा इजाज़त इनशाला ज़िंदगी रही त सुभाणे मुलाक़ात थींदी आख़िर में हिकु दफ़ो वरी थैंक यू सो मच आप सबका बहुत शुक्रिया हाशिम हुसैन जी तरफ़ हलूं था ओवर टू यू हाशिम हुसैन जी मेहंदी की ये से चमके चंदन बार गोरी करत सिंगार गोरी करत सिंगार गोरी करत सिंगार गोरी करत सिंगार बाल बाल मोती चमकाए रोम रोम मैका मांग सिंदूर की सुंदरता से चमके चंदन बार गोरी करत सिंगार गोरी करत सिंगार गोरी करत सिंगार गोरी करत सिंगार मेहंदी की ये रात मेहंदी की ये रात आई मेहंदी की ये रात बनाई सपनों की बारात सजनिया साजन के है सा रहे हाथों में ऐसे हाथ चूह
गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, बाल बाल मोती चमकाए रोम रोम मैकार, मांग सिंदूर की सुंदरता से चमके चंदन बार, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार। सुहानी अलबेली सी मेहंदी की ये रात हो गोरी, उजले चेहरे हंसती आंखें हिरने का इकरार हो गोरी, कभी खुली कभी बंद आंखों में बोले पी का प्यार, सहज चढ़े फिर भी पायल में हिरने का इकरार, कान में झुमका जान, कान में झुमका बाल में गजरा चुनरी धारी दार, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, मेहंदी की ये रात, मेहंदी की ये रात, आई मेहंदी की ये रात, बनाए सपनों की बारात,